कि कामयाबी क्यों होता, इनमें अकेले चलने का हौसला होता, एक दिन उनके पीछे काफिला होता। कामयाब लोग अपने फैसले से दुनिया बदल देते हैं, जबकि नाकामयाब लोग दुनिया के डर से अपने फैसले बदल देते हैं। इससे किसी को उम्मीद नहीं होती, अक्सर वही लोग कमाल करते हैं। जीत और हार आपकी सोच पर निर्भर करते हैं। मान लो तो हार होगी और अगर ठान लो तो जीत होगी। जब तक आप अपने आप से ना हार जाए तब तक दुनिया की कोई भी ताकत आपको हरा नहीं सकती। अगर तुम सूरज की तरह चमकना चाहते हो तो पहले सूरज की तरह चलना चाहिए। सपने को पाने के लिए समझदार नहीं थोड़ा सा पागल होना पड़ता है। कोई भी लक्ष्य इंसान के साहस से बड़ा नहीं, हारा वही जो लड़ा नहीं। बाहर की चुनौतियों से नहीं, हम अपने अंदर की कमजोरियों से हारे। इस तरह पतझड़ के बिना पेड़ पर नए पत्ते नहीं आते, ठीक उसी तरह कठिनाई और संघर्ष के बिना अच्छे दिन नहीं आते। वक्त की चाहे कितना भी परेशान कर लेंगे, लेकिन एक दिन ऐसा भी आएगा जब मैं किसे बदल दूंगा। अगर आप उस वक्त मुस्कुरा सकते हैं जब आप अंदर से पूरी तरह से टूट चुके हैं, तो दुनिया की कोई भी ताकत तुम्हें तोड़ नहीं सकती। एक इच्छा से कुछ नहीं बदलता, लेकिन निश्चय सब कुछ बदल जाता। जहां तक भी रास्ता दिख रहा है वहां तक तो चलो, आगे का रास्ता वहां पहुंचने के बाद कितने लग जाए। हर छोटा बदलाव बड़ी कामयाबी की शुरुआत होता है। इंसान सफल तब होता है जब वो दुनिया को नहीं खुद को बदलना शुरू कर देता है। विचारों को पढ़ करके बदलाव नहीं आता है, विचारों पर चल करके बदलाव आता है। जिंदगी में पछतावा करना छोड़ो, कुछ ऐसा करो कि तुम्हें छोड़ने वाले बनता है। जिंदगी की रेस जो लोग आपको दौड़ करके नहीं हरा पाते वो आपको तोड़ करके हराने की कोशिश करते हैं। इस इंसान ने कभी गलती नहीं की, इसने कभी भी कुछ भी नया करने की कोशिश नहीं। गलतियां करने में कोई बुराई नहीं है, लेकिन बार बार एक ही गलती करना बुरा। अच्छा दिखने के लिए नहीं, अच्छा बनने के लिए। इज्जत और तारीफ मांगी नहीं जाती, कमाई जाती। सपने वो नहीं है जो हम नींद में देखते हैं, सपने वो हैं जो हमारी नींद उड़ा देते हैं। अगर जिंदगी को समझना है तो पीछे देखो, लेकिन अगर जिंदगी को जीना तो आगे देखो। नमस्कार। सबसे पहले आप सब लोगों का फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल के प्लेटफॉर्म के ऊपर सहर्ष स्वागत, सहर्ष स्वागत। मैं यहाँ पे एक छोटी सी बात शेयर करना चाहता हूं कि जितना बड़ा सपना होगा, जितना बड़ा सपना होगा उतनी बड़ी तकलीफें होगी, और जितनी बड़ी तकलीफें होगी उतनी बड़ी कामयाबी होगी। नमस्कार, मैं नवनाथ देवकर, संस्थापक फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स, आपका वापस से यहाँ पे सहर्ष स्वागत करता हूँ, सहर्ष स्वागत करता हूँ। सेशन को आगे जाने से पहले मैं आज का सेशन जो है वो सेशन के बारे में थोड़ा सा डिस्कस करूंगा।
सीरीज ऑफ इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम 15 में आज हम लोग 5 सिंपल हैक्स टू डेवलप ग्रेट प्रेजेंटेशन स्किल्स बाय प्रकाश चौधरी कॉर्पोरेट ट्रेनर्स, ये सेशन आज का होगा। और ये सेशन को आगे जाने से पहले हम लोग फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशंस के बारे में थोड़ा सा समझ के लेंगे कि ये फेडरेशन है क्या, इनका एजेंडा क्या है, ऑब्जेक्टिव्स क्या है, इसके बारे में हम थोड़ा सा आज यहाँ पे समझ के लेंगे। और उसके बाद में मैं प्रकाश जी चौधरी को हैंड ओवर करूंगा और ये आज के प्रेजेंटेशन में हमें प्रेजेंटेशन स्किल्स के बारे में सिखाएंगे, उनका एक्सपीरियंस, उनका नॉलेज आज हम लोगों के साथ वो शेयर करने के लिए ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अवेलेबल है। सो चलिए हम लोग आगे जाते हैं। अबाउट द फिप क्या है, फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल्स, ये एक नॉन गवर्नमेंट, नॉन पॉलिटिकल एंड नॉन ट्रेड यूनियन ऑर्गेनाइजेशन है, इट्स अ नॉन फॉर प्रॉफिट ऑर्गेनाइजेशन। फिप इज इनकॉर्पोरेटेड इन द अक्टूबर 2020 विद द ऑब्जेक्टिव टू द प्रोपेल स्मॉल एंड मीडियम बिजनेस मूवमेंट अक्रॉस द कंट्री। फिप इज द वॉइस ऑफ द इंडियाज बिजनेसेस एंड इंडस्ट्रीज। इट सर्व्स इट्स अ मेंबर फ्रॉम द इंडियन प्राइवेट एंड पब्लिक कॉर्पोरेट सेक्टर्स। फिप प्रोवाइड्स अ प्लेटफॉर्म फॉर द नेटवर्किंग एंड कॉलेब्रेशंस। ये प्लेटफॉर्म बिजनेस ओनर के लिए एक प्लेटफॉर्म है। ये प्लेटफॉर्म से बिजनेस ओनर को बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज मिलने वाली है, जैसे कि नेटवर्किंग है, कॉलेब्रेशंस है, एक दूसरे को हेल्प करके एक दूसरे के बिजनेसेस में डेवलपमेंट करना है। जैसे कि हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है हेल्प टू द बिजनेस पीपल, बिजनेस इज ऑल अबाउट द सॉल्विंग पीपल्स प्रॉब्लम्स। अगर लोगों के प्रॉब्लम्स हम लोग सॉर्ट आउट करेंगे, लोगों के इश्यूज कम करेंगे, तो डेफिनेटली वहां पे बिजनेस बनता है। हेल्पिंग पीपल्स एज अ बिजनेस स्ट्रेटेजी, यही हमारा कोर ऑब्जेक्टिव है, लोगों को हेल्प करना। लोगों को हेल्प करते करते बहुत सारी चीजें होती है, जैसे कि टेक्नोलॉजी बेस्ड हेल्प है, मार्केटिंग है, सेल्स है, टीम बिल्डिंग है, रिक्रूटमेंट्स है, बहुत सारे चैलेंजेस अपने अपने बिजनेसेस में आते हैं। और ये बिजनेसेस में चैलेंजेस जो होते हैं वो अगर ओवरकम करना है तो लोगों को हेल्प करना जरूरी है, वहां पे एक्सपर्टीज लगाना इंपॉर्टेंट है। यहाँ पे अलग अलग तरह के एक्सपर्टीज ये प्लेटफॉर्म पे आते हैं और वो एक्सपर्टीज बिजनेस ओनर को हेल्प करता है। इंडस्ट्रियल ग्रोथ एंड डेवलपमेंट्स, ये फिप का एक एजेंडा है। और ये एजेंडा अगर हम लोग एक एक ऐसे मीन्स छोटा छोटा धंधा भी अगर बड़ा काम करता है, सही तरह से काम करता है, उसके बिजनेस में ग्रोथ आती है, तो इनडायरेक्टली इंडियन इंडस्ट्री ग्रोथ होने वाली है, उसका डेवलपमेंट होने वाला है। और ये इंडस्ट्री ग्रोथ होती है तो इनडायरेक्टली इंडियन इकोनॉमी डेवलपमेंट होती है। इंडियन इकोनॉमी डेवलप होती है तो हम छोटा सा कॉन्ट्रीब्यूशन इंडियन इकोनॉमी में दे रहे हैं, इंडिया के डेवलपमेंट की ओर जा रहा है और इसमें हम लोग हेल्प कर रहे हैं, सपोर्ट कर रहे हैं। अगर मैं फिप के बारे में बात करूंगा तो दिस इज द रियल इकोनॉमी इंडस्ट्री आउटलुक है। यहाँ पे बिजनेस एंड प्रोफेशनल सर्विसेज के लिए हम लोग काम करते हैं। यहाँ पे अलग अलग तरह के इंडिपेंडेंट फोरम्स इंडस्ट्री के लिए एंड प्रोफेशनल्स के लिए हम लोगों ने बनाया। इसमें से ऑलमोस्ट 40,000 प्लस जीएसटी प्रैक्टिशनर्स फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर एसोसिएट हुए हुए हैं, जो टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म है। और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर से लोगों को बहुत सारा हेल्प हो रहा है, जैसे कि टाइम टू टाइम सेंट्रल गवर्नमेंट होगा या फाइनेंस डिपार्टमेंट होगा, उनके साथ हम लोग टच में रहते हैं। जो भी लोगों के प्रॉब्लम्स है, प्रॉब्लम्स उनको तक, उन्हें फाइनेंस डिपार्टमेंट तक हम लोग लेके जाते हैं और लोगों को हेल्प होता है। जीएसटी हो या बाकी का टैक्सेशन रिलेटेड इश्यूज रहेगा, उसके ऊपर इंटरनल लोग डिस्कस करते हैं और सॉल्यूशंस निकालते हैं। इसके साथ में फिप के साथ 1500 प्लस आईटी बिजनेस ओनर्स एसोसिएट हुए हुए हैं, जो भी टेक्नोलॉजी बेस्ड प्लेटफॉर्म के ऊपर काम कर रहे हैं और एक दूसरे को बिजनेस शेयर कर रहे हैं, एक दूसरे के साथ बिजनेस कर रहे हैं, एक दूसरे के बिजनेस में जितने भी प्रॉब्लम्स हैं वो प्रॉब्लम्स के लिए हम लोग कैसे सेंट्रलाइज हेल्प कर सकते हैं, उसके ऊपर काम करता है। यस,
जैसे कि मैंने इससे पहले कहा कि कॉमन प्रॉब्लम्स एंड सॉल्यूशन के ऊपर हम लोग काम करते हैं, अगर प्रॉब्लम निकल जाता है उसके ऊपर सॉल्यूशन मिलता है तो इनडायरेक्टली वो बिजनेस ग्रो होता है और वो बिजनेस का प्रॉफिट बढ़ता है। यहाँ पे हम लोग बिजनेस के साथ में पर्सनल एंड प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर काम करते हैं। सेल्फ अवेयरनेस रहेगा, पोटेंशियल है, ड्रीम्स है, ह्यूमन कैपिटल्स है, क्वालिटी ऑफ लाइफ है, बहुत सारी चीजें ऐसी होती है कि जो पर्सनल लाइफ में हम लोगों को इम्प्रूवमेंट की डे टू डे बेसिस पर जरूरत होती है, तो उसमें स्किल डेवलपमेंट्स है। वैसे ही प्रोफेशनल डेवलपमेंट के ऊपर भी हम लोग काम करते हैं, जैसे कि मेंटरिंग प्रोग्राम यहाँ पे होता है, कंसल्टिंग होती है, काउंसलिंग होता है, स्टडी मटेरियल होता है इम्प्रूवमेंट के लिए, यहाँ पे लर्निंग है, अलग अलग तरह के प्रैक्टिसेस हम लोग यहाँ पे करवा के लेते हैं। तो इस तरह से हम लोग पर्सनल एंड प्रोफेशनल बिजनेस के ऊपर हम लोग काम करते हैं। इसके बाद मैं कहूंगा कि आपका पर्सनल लाइफ हो या प्रोफेशनल लाइफ हो, इट्स ऑल अबाउट द रिलेशनशिप। अगर आपका रिलेशनशिप अच्छा है तो आपको कोई भी नामुमकिन नहीं है। रिलेशन के ऊपर आप सब चीजें कर सकते हो, और ये रिलेशनशिप मेंटेन करने के लिए, बढ़ाने के लिए यहाँ पे लर्निंग है, इम्प्रूवमेंट्स है, इसके साथ साथ में इंटरपर्सनल रिलेशनशिप डेवलपमेंट्स है जिसमें अलग अलग तरह का फन होता है, कंफ्लिक्ट मैनेजमेंट है, पॉजिटिव वाइब्रेशंस है, सेल्फ अवेयरनेस है, अलग अलग तरह के कोलैबोरेशंस है। तो इस तरह से हम लोग रिलेशनशिप मेंटेन के लिए यहाँ पे काम करते हैं। इसके साथ में हाउ इट इंडस्ट्री हेल्प्स टू ओवरकम देयर चैलेंजेस, जो इंडस्ट्री में चैलेंजेस है उसको ओवरकम करने के लिए हम लोग क्या क्या कर सकते हैं। जैसे कि इससे पहले मैंने बताया कि टीम वर्क करना है, साथ होना है, यूनाइट होना है, और ये सब यूनाइट करके एक दूसरे के जो भी प्रॉब्लम्स है वो प्रॉब्लम्स के ऊपर काम करना है, वो काम करके जो भी चैलेंज रहेगा वो चैलेंज लेना है, अलग अलग तरह के स्किल्स यूज करना है, टीम वर्क काम करना है, अलग अलग तरह के प्रैक्टिस है, रिसर्च एंड डेवलपमेंट्स है, ये सारी चीजें करके हम लोग ये जो प्रॉब्लम्स आते हैं वो प्रॉब्लम्स को ओवरकम कर सकते हैं। इसमें लर्निंग है, एजुकेशन है, अलग अलग तरह के ट्रेनिंग्स है, उसमें पेड ट्रेनिंग्स होगा, फ्री ट्रेनिंग्स होगा, बहुत तरह के, जैसे कि मैंने यहाँ पे कुछ बिजनेस चैलेंजेस लिखे हुए हैं, जैसे कि बिजनेस स्ट्रेटेजी है, मार्केटिंग है, रिक्रूटमेंट है, उसके साथ में मैनेजमेंट, सेल्स एंड टेक्नोलॉजी, ये छह टाइप के चैलेंजेस मेजरली हर एक बिजनेस में आते हैं, और ये चैलेंजेस सॉर्ट आउट करने के लिए एक्सपर्ट्स की जरूरत होती है, और ये एक्सपर्ट्स के साथ अगर हम लोग काम करते हैं तो यस डेफिनेटली हम हमारे बिजनेस के जो भी चैलेंजेस है वो चैलेंज को ओवरकम करके उसको प्रॉफिट में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो इस तरह का काम फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर होता है। इसके साथ में इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम है। इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें लोगों को पता नहीं होती है, और उसको नॉलेज देने के लिए हम लोगों ने फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर एवरी सैटरडे इवनिंग को 5 बजे इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम का प्लान किया हुआ है। 1 अप्रैल 2021 से आप आज तक ऑलमोस्ट 14 इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम के लाइव वेबिनार्स हम लोगों ने लिए, और आज का जो है 15वां सेशन है। आज तक कौन से हम लोगों ने सेशंस लिए इसके ऊपर थोड़ा सा हम लोग ओवरलुक करेंगे। जो फर्स्ट सेशन था अघटित काल सुनियोजित प्रगति वे ऑफ द छत्रपति शिवाजी महाराज, पेंडेमिक टाइम पे हम लोग प्लानिंग के साथ कैसे डेवलपमेंट कर सकते हैं, इसके ऊपर ये सेशन लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने सेशन लिया था बिल्डिंग अ स्ट्रांग एंड इफेक्टिव कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम्स बाय द सुनील जोशी। सुनील जोशी सर ने बिजनेस में कॉस्ट कंट्रोल सिस्टम्स इफेक्टिवली कैसे इंप्लीमेंट करेंगे, इसके ऊपर ये सेशन लिया था। उसके बाद में हम लोगों ने बिजनेस कंप्लायंस का इंपॉर्टेंस जो होता है हर एक बिजनेस में, उसके ऊपर सेशन हुआ है। सीए मयूर मंत्री साहब ने डेवलपिंग बिजनेस मॉडल एंड फाइनेंशियल प्लानिंग के ऊपर सेशन लिया था। बिजनेस डेवलपमेंट में बहुत सारे स्टेजेस होते हैं, और पैसे के सिवा, मनी के सिवा हम लोग बिजनेस डेवलप नहीं कर सकते, तो उसका प्लानिंग कैसे करना है इसके बारे में मयूर मंत्री साहब ने हम लोगों को बहुत अच्छी तरह से यहाँ पे पढ़ाया, सिखाया, बहुत सारे इनपुट्स दिए। उसके साथ में उन्होंने बिजनेस वर्कशॉप भी लिया, बिजनेस वर्कशॉप में बहुत सारी चीजें उन्होंने शेयर की। उसके बाद संजय मेरगल साहब ने इम्पोर्टेंस ऑफ क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम के ऊपर बहुत सारी चीजें यहाँ पे शेयर की। कोई भी बिजनेस में, कोई भी प्रोडक्ट हो या सर्विस हो, अगर उसमें क्वालिटी नहीं है तो उसका कोई मीनिंग नहीं होता है, उसको कोई सर्व नहीं करना चाहता है। तो अगर वो सर्विस में क्वालिटीज इंप्रूव करना है तो
उसका जो इम्पोर्टेंस है क्वालिटी मैनेजमेंट सिस्टम्स का, उसके बारे में संजय मेहरगल साहब ने बहुत खूबिया से यहाँ पे प्रेजेंटेशन दिया था। उसके बाद में इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम 6 और 7 में हम लोगों ने इंश्योरेंस के बारे में अच्छी तरह से समझ के लिया। इसमें अविनाश जी चौहान एंड अमर सुल्टी साहब ने लाइफ इंश्योरेंस एंड मेडिकल इंश्योरेंस के बारे में हम लोगों को बताया कि बिजनेस करते समय बिजनेस में अलग अलग तरह के इंश्योरेंस जो होते हैं उसका इंपॉर्टेंस क्या है, उसकी वैल्यू क्या है, रिस्क मैनेजमेंट कैसे किया जाता है, तो ये सारी चीजें उन्होंने यहाँ पे हम लोगों को बताई। उसके बाद में डिजिटल मार्केटिंग फॉर द बिगिनर्स बाय निकिता ओरा, 9th का सेशन होता हाउ टू बी अ हाई परफॉर्मेंस एंटरप्रेनर्स बाय द योगेश जी हुंडे, 10th सेशन था रिस्ट्रक्चर बिजनेस थ्रू द इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोर्ट, ये सेशन लिया था प्रमोद जी लड्डा साहब ने। सेंट्रल गवर्नमेंट ने 2016 में इंसॉल्वेंसी एंड बैंकरप्टसी कोड लेके आए हैं। ये कोड के तहत हम अगर बैंकरप्ट भी हो जाते हैं तो हमें एक और एडिशनल अपॉर्चुनिटी मिलती है बिजनेस को सर्वाइव करने के लिए, बिजनेस को सस्टेन करने के लिए। इसके बारे में हम लोगों ने यहाँ पे काफी चीजें समझ के ली। और 11वां सेशन था शिवशंकर बीन सर ने लिया था, मनी नेवर स्लीप्स, पैसा कभी भी सोता नहीं है अगर उसके ऊपर सही तरह से अगर आप काम करते हो तो। वैसे ही 12th नंबर का सेशन था अनुप लड्डा साहब ने लिया था, आर्ट ऑफ इन्वेस्टिंग इन द स्टॉक मार्केट। और 13 नंबर का सेशन था 7 स्ट्रेटेजीज ऑफ बिजनेस ग्रोथ, ये बालकृष्णा लोहकरे सर ने लिया था। और लास्ट वीक में हम लोगों ने सीखा कि 5 ऑटोमेशंस फॉर द सस्टेनेबल बिजनेस बाय रितेश गायदने सर। ये सेशन में हम लोगों ने सीखा कि टेक्नोलॉजी का यूज करके हम लोग अपना बिजनेस ऑटो पायलट मोड पे कैसे लेके जाए और बिजनेस में इंप्रूवमेंट कैसे लेके आ जाए, बिजनेस के एक नेक्स्ट लेवल हम लोग कैसे लेके जाए। तो इस तरह के अलग अलग सेशंस हम लोगों ने अभी तक लिए हुए हैं। सारे के सारे सेशंस फेसबुक के ऊपर, फिप कनेक्ट के ऊपर आपको देखने को मिलेंगे। इसके साथ में यूट्यूब के ऊपर फिप कनेक्ट चैनल है, फिप का वो चैनल के ऊपर आपको ये सारे सेशंस देखने को मिलेंगे। और आप आपके बिजनेस में इंप्रूवमेंट करो, ये सेशंस का आप बिजनेस में इंप्लीमेंट करो और इंप्रूवमेंट करो, ये मैं यहाँ पे इन शॉर्ट बताना चाहूंगा। So, इसके साथ में फिप का एवरी वीक एक बिजनेस मीटिंग होता है वेंसडे मॉर्निंग 7 to 10 बजे तक। ये मीटिंग में हम लोग अलग अलग तरह का लर्निंग लेते हैं, ओपन नेटवर्किंग में बहुत सारी चीजें शेयर करते हैं एक दूसरे के साथ में। यहाँ पे ऑलमोस्ट 30+ बिजनेस ओनर्स ये मीटिंग को एवरी वीक आते हैं। और ये मीटिंग में हम लोग हर एक बिजनेस का प्रेजेंटेशन यहाँ पे होता है, एक दूसरे के लिए रेफरल्स हम लोग शेयर करते हैं, एक दूसरे का बिजनेस समझ के लेते हैं और उसका बिजनेस, उसका जो सर्विसेस है, प्रोडक्ट्स है, वो हमारे बिजनेस में, हमारा प्रोडक्ट्स दूसरे के बिजनेस में कैसे हम लोग अच्छी तरह से यूटिलाइज कर सकते हैं, इसके ऊपर डिस्कशन करते हैं। इसके अलावा यहाँ पे एजुकेशन स्लॉट भी होता है, हम लोग यहाँ पे कुछ चीजें सीखने को भी मिलती है। तो इस तरह से हम लोग यहाँ पे बिजनेस शेयरिंग, बिजनेस डेवलपमेंट के ऊपर ये एवरी वीक काम करते हैं। और यहाँ पे ये जो स्लाइड सामने है वहां पे ये मीटिंग रजिस्ट्रेशन के लिए लिंक है https://fip.in/u/wm। ये लिंक के ऊपर जाके आप वीकली मीटिंग के लिए रजिस्ट्रेशन कर सकते हो। यस, फिप का May 2021 में फर्स्ट चैप्टर लॉन्च हुआ है जो बिजनेस नेटवर्किंग प्लेटफॉर्म है। और ये प्लेटफॉर्म के ऊपर अभी तक 23 मेंबर्स एसोसिएट हुए हुए हैं। इसके साथ में अभी तक 55 रेफरल शेयर हुए हैं, ऑलमोस्ट 16.85 लाख का बिजनेस का ट्रांजेक्शन ये चैप्टर के ऊपर हुआ है। और नेक्स्ट 2 मंथ के लिए हम लोग 6 मोर चैप्टर का प्लान कर रहे हैं। और वो चैप्टर्स रहेंगे पिंपरी चिंचवड़ एरिया में, 2 बिजनेस चैप्टर हो गए, पुणे सिटी में 1 बिजनेस चैप्टर होगा, मुंबई में 1, नागपुर में 1 और पैन इंडिया में 1 ऑनलाइन चैप्टर बनेगा। और ये चैप्टर से हम लोग एक दूसरे के साथ इजीली कनेक्ट हो सकते हैं अलग अलग चैप्टर के हिसाब से। इसमें 1 person 1 business 1 business category एंड 1 chapter, इस तरह का ये हर एक बिजनेस मेंबर का अपना पोर्टफोलियो यहाँ पे रहेगा। सो चलिए हम लोग नेक्स्ट देखते हैं क्या एक्टिविटी है। तो मई मंथ में हम लोगों ने एक बिजनेस वर्कशॉप लिया था, ऑनलाइन सेशन डिस्कवर द सीक्रेट ऑफ बिजनेस ग्रोथ। और ये सेशन में हम लोगों ने बिजनेस मॉडल कैनवास देखा था, टॉप
funded successful startups, role of founders in the early stage, business financial planning, capital structure of the business and many more. तो ये सारी चीजें हम लोगों ने वो बिजनेस वर्कशॉप में लिया था. ये वर्कशॉप 3 दिन कंटिन्यूअसली हम लोगों ने लिया था. ऑलमोस्ट 16 आवर का ये वर्कशॉप था. सो इस तरह के अलग अलग एक्टिविटीज फेडरेशन ऑफ इंडियन इंडस्ट्रीज एंड प्रोफेशनल के प्लेटफॉर्म पे होती है. और हम लोग 16 जुलाई 2021 से बुक रीडिंग एंड बुक मेंटरिंग क्लब चालू करने जा रहे हैं और इसमें भी आप सब लोगों का कंट्रीब्यूशन मिलेगा. ये समझ के मैं नेक्स्ट एजेंडा के ऊपर जाता हूं. तो नेक्स्ट वीक नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग 5 बजे जो इंडस्ट्रियल अवेयरनेस प्रोग्राम में यूनाइटेड वी गेन एफपीओ एंड ओएफपीओ ये सब्जेक्ट के ऊपर बात करने के लिए आ रहे हैं नागेश्वर राव देसु साहब. ये चीफ जनरल मैनेजर रह चुके हैं नाबार्ड में और ये सेशन में हम लोग देखेंगे फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन एंड ऑफ फार्म प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशंस के बारे में. यहाँ पे एक्सेस टू द इन्वेस्टमेंट एंड क्रेडिट्स, एक्सेस टू द मार्केट्स, एक्सेस टू द टेक्नोलॉजी एंड ह्यूमन रिसोर्सेस ये सब्जेक्ट के ऊपर हम लोग नेक्स्ट सैटरडे डिस्कस करेंगे. तो चलिए आज के सेशन के ऊपर हम लोग जाते हैं. आज का सेशन है 5 सिंपल हैक्स टू डेवलप ग्रेट प्रेजेंटेशन स्किल्स. अपना बिजनेस का प्रेजेंटेशन स्किल्स बनाना है तो उसके लिए 5 सिंपल हैक्स आज यहाँ पे हम लोगों को सीखने को मिलेंगी. और ये सिखाने के लिए आ रहे हैं प्रकाश जी चौधरी सर जो कॉर्पोरेट ट्रेनर्स है. प्रकाश सर फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर आपका स्वागत है. वेलकम सर. थैंक यू सो मच सर. थैंक यू ऑल. आज यहाँ पे जितने भी उद्यमीज है वो उद्यमीज को मैं रिक्वेस्ट करूंगा कि प्रकाश सर को चैट बॉक्स में वेलकम करके सर का वेलकम करना है. I request to all Udyamis, please use the chat box and say welcome to the Prakash Chaudhary sir. So, आज का सेशन सेशन को जाने से पहले मैं प्रकाश चौधरी साहब के बारे में थोड़ा सा इंफॉर्मेशन यहाँ पे देना चाहूंगा. प्रकाश सर का जो बैकग्राउंड है 17 years IT इंडस्ट्री का एक्सपीरियंस प्रकाश चौधरी सर को है. उसके साथ में सर ने US में से इंडस्ट्रियल एक्सपीरियंस लिया हुआ है ऑलमोस्ट 6 ईयर तक. उसके साथ साथ में 6 साल से ज्यादा एक्सपीरियंस सर का है ट्रेनिंग एंड इंडस्ट्री में. इसके साथ में सर बिजनेस कर रहे हैं ट्रेनिंग एंड होटल इंडस्ट्री में और उसके साथ में वो सोशल वर्कर भी है. सर ने NLP का सर्टिफिकेशन लिया हुआ है. उसके साथ में NLP का इंडिया से सर्टिफिकेशन लिया हुआ है और सर ने बिजनेस कोचिंग एंड ट्रेनिंग में भी बहुत सारे सर्टिफिकेशन किए हुए हैं. जो आज का सेशन है 5 सिंपल हैक्स टू डेवलप द ग्रेट प्रेजेंटेशन स्किल्स, इसमें आज इंपॉर्टेंस ऑफ द स्पीकिंग, हाउ टू द प्रिपेयर योर प्रेजेंटेशन, हाउ टू बिगेन, 5 key qualities दैट ऑडियंस लुक फॉर, द सीक्रेट ऑफ प्रेजेंटेशन, हाउ टू एंड ओवरकम फियर्स एंड ऑनलाइन प्रेजेंटेशन टिप्स, ये सारी चीजें हम लोगों को सीखने को मिलने वाली है. तो आज मैं तालियों के साथ में प्रकाश चौधरी साहब का यहाँ पे वेलकम कर रहा हूँ और प्रकाश चौधरी सर के को आज का सेशन हैंड ओवर कर रहा हूँ. प्रकाश सर हैंड ओवर टू यू सर. थैंक यू सो मच नवनाथ सर. मे आई शेयर द PPT सर? नवनाथ सर. यस सर. यस सर. जस्ट अ मिनट. Just give me a second. Okay. Is it visible to all? Namaskar, sir. Okay. PPT second and this day, na? Yes, sir. Yes, sir. Great. Can you convince to your prospect just by sharing your PPT? Just type yes or no in the chat box.
can you convince your prospect just by sharing the presentation PPT? Maybe prospect, customer, anyone. No, right? Can you convince? For that, you need to talk, isn't it? You need to share the PPT, you need to talk. But can you really convince the prospect or customer just by talking? I don't think so. You need to speak. Now, some of you might say, what is the difference in talking and speaking? There is a great difference. Dogan madhe khub farak hai. Talking means some people think that they can talk. That means they can give the presentation for their business, for their product. Talking is nothing but sharing some information with someone. And speaking is nothing but creating the impact from your presentation, forcing the prospect or customer to think about you, about your product. So that is all about this presentation skill. Today in this particular session, I'm going to share how to give a compelling business presentation. In my career, I have given n number of presentations for my business, and I have taken n number of trainings on this particular topic. Of course, presentation skill, communication skill, and public speaking, himaji speciality. So I am going to share all my career experience whenever I have presented the product or service or my particular training business. I'm going to share all those, and it really create wonders. Okay. Some of you, those who are new to the presentation skills, some business owners, they have some fear to give the presentation. So for them, this session is going to help you to build your great presentation skill. Some of you might be already doing the presentations of your business. For them, this particular session will take your presentation to the next level. And I can guarantee that. Now, some of you might be not a presentation type guy. तुमच्यापैकी काही business owner असे असतील की ज्यांना presentation देणं म्हणजे खूप अवघड जातं. It's difficult. So business owner, they just do business, nothing else. They don't come in front of the stage or in front of the people. For them, I would like to say, think again. Everything is learnable on this planet. Almost everything we can learn. You just need a desire. And when we come to the importance of presentation skill for a business owner, that time you will realize, I definitely has to learn this skill. And you don't need to worry. You don't need to take a separate course for learning this. For that purpose, I am there to tell you all those tricks. And if you follow those tricks and methods and techniques, you don't need to do any separate public speaking course. And I can guarantee that. So if you are going to learn all those things, do you think it is worth spending 1 hour learning this presentation skills? Yes or no? Give me thumbs up or I agree in the chat box. Great. So what we are going to cover in this presentation skill is what is the importance? Why business owners must learn presentation skill? How to prepare your presentation? Most of us just directly start thinking what should be the content. That's not the case. How, what is the proper way of preparation? How to begin? Most of us, we don't worry about how to begin. Have you seen how I started my beginning? Was it a little bit different? Did I start it like me? Good morning, ni start nahi kele maza presentation. That is the ordinary way. I started different, if you recall. So I will tell all those tricks, how to begin. 5 key qualities that audience look for. When you are presenting, what are they expecting from you? Those 5 key qualities I will tell, secret of presentation. And this is my favorite. And I am going to use the secret in this presentation also. Let's see if you can find those secrets. How to end.
This is also most important. We spend lots of time in doing preparation, beginning everything, and then at the end, we just do emergency end. That should not happen. Overcome fear. Whereas business owner la fear asto ki how should I speak? 10 minutes, 20 minutes, kaskai bolu hai. But how to overcome? What are the things that we should do to overcome the fear? Then, since it is a virtual, everything is virtual now, it is very necessary for any business owner to learn online presentation tips. That also I will share. So are you ready? Of course, I know you are ready. So what was the last time you performed on a stage? When was the last time you performed on a stage? Can I ask someone this question? Navnath, sir, you are already performing on the stage. I know that. Let me ask to some of our audience. Anyone would like to participate? Mr. Baswaraj. Baswaraj, sir, are you there? Or anyone, Dr. Sudhir? Mr. Aditya, anyone would like to say something? When was the last time you performed on stage? Sir. Yes. Yeah, I'm Dr. Sudhir. I'm a professor. So regularly I used to follow these things. And since last 1.5 years due to COVID, I not perform on stage, in fact. Very true. But you might be doing it online, right? Yeah, yes, sir. Yes. Very good. Thank you so much, Dr. Sudhir. So what I'm trying to say is there was in one of my workshop, I asked one business owner, when was the last time you performed on a stage? And he said, sir, I'm very new to the business. It's just 7 months and I have not given any presentation of my business. So on stage, I performed during my college days. Why I'm telling you this thing? As a business owner, you tell me, what do you mean by stage? Is it just an auditorium room, auditorium hall, and lots of audience are sitting there and you are on the stage and you are talking, you have a mic in your hand? Is that the stage? Not at all. At least for business owner, that is not only the stage. For us, a stage is everywhere. If you are talking or if you are speaking about your business, your product or service to more than one people, it is a stage for you. You should know how to perform, how to present yourself and your product and services. So stage is everywhere. So keep this in mind. A business owner should be always presentable, always presentable. No matter where he is, whether he should be always ready with the presentation. And it is one time investment of time to make your presentation great. It is one time. So we will come to the preparation part after this. All right. Let's understand the importance. I know tumhala sagalyana business owner la maithe hai ki presentation hai kiti important hai. But let me highlight some of the important task for this, you know. Efficient. If you are great in presentation, if you can stand in front of the audience, you become efficient. What do I mean efficient? Jeva tumhi one-to-one ekonala betala jata, tumcha product ani service explain karta. So you are selling to one person. If you want to sell it to someone else, you need to go to some other person, some other customer or prospect and tell about your product and service. But if you want to sell to 50 people, 100 people, you cannot go one by one. You have to develop this skill of presenting in front of the audience. And see, stage time is equal to wealth time. Always remember that. On the stage, when you are speaking, we never know who is your customer. जेव्हा आपण 100 लोकांच्या समोर 50 लोकांच्या समोर आपल्या प्रॉडक्ट बद्दल सर्व्हिस बद्दल माहिती देतो आणि ते जर प्रेझेंटेशन इम्पॅक्टफुल होत असेल तर कस्टमर विल डायरेक्टली कॉन्टॅक्ट यू डोंट नीड टू गो टू द कस्टमर
That is the beauty of giving excellent presentation. So always be ready. You always become efficient. You need to leverage this, that you are a business owner and you can give the presentation in front of the audience, right? Then there is a recognition, which is nothing but people start knowing you. Those who are giving presentation, Dr. Sudhir or Navnath sir, people know them because they are always in focus. They are always talking to someone. They are always telling about their business. So people start recognizing. If you are a business owner and if you are not doing presentation very often and if you are not grabbing the opportunity, then you are losing something. You are losing the customers. So your recognition is there if you can know how to present. You create an opportunity in the minds of the listener. आता मी प्रेझेंटेशन देतो इथे इथे येते क्या गोपाल जी हॅलो तुम्ही टॉकिंग अबाउट इजुल बारोटा म्यूट योरसेल्फ थँक्यू सो देर आर 19 और मोर देन दॅट पार्टिसिपेंट्स सो इन दिस केस इफ आय एम प्रेझेंटिंग समथिंग आय एम क्रिएटिंग एन ऑपॉर्च्युनिटी इन युअर माइंड दॅट दिस गाय इज समथिंग अँड दिस गाय कॅन हेल्प मी आउट इन माय बिझनेस सो लाईक वाईज तुम्ही जेव्हा तुमच्या बिझनेसचं प्रेझेंटेशन देता यू क्रिएट अन ऑपॉर्च्युनिटी फॉर यू ओपन द डोर कस्टमर विल डायरेक्टली कम टू यू यू डोंट नीड टू गो जस्ट थिंक अबाउट इट जर 40 मिनिटाचं प्रेझेंटेशन तुम्ही दिलं आणि तुम्हाला 50 लोकांपर्यंत पोहोचायचं असेल तर तुम्हाला किती टाइम वेस्ट करावा लागतो 50 into 40 minutes दॅट इज नॉट पॉसिबल सो देर इज इट इज ऑल अबाउट एफिशियन्सी कमी वेळात जास्तीत जास्त लोकांपर्यंत पोहोचू शकतो जर तुम्ही थोडासा एफर्ट घेऊन इफ यू लर्न हाऊ टू गिव्ह ग्रेट अँड इम्पॅक्टफुल प्रेझेंटेशन यू नीड टू स्पेंड टाइम इन द बिगिनिंग बट इफ यू स्पेंड टाइम इन द बिगिनिंग लेटर ऑन यू डोंट नीड टू स्पेंड टाइम यू जस्ट नीड टू जनरेट सम न्यू आयडिया अँड प्रेझेंट द सेम थिंग दॅट इज द ब्युटी ऑफ दिस देन देर इज अ कन्व्हिक्शन पॉवर लुक तुम्ही जेव्हा प्रेझेंटेशन देता यू आर ट्राइंग टू कन्व्हिन्स मल्टिपल पीपल ऍट द सेम टाइम यू आर ट्राइंग टू इन्फ्लुएन्स देम यू आर ट्राइंग टू परसुएड देम सो बिकॉज ऑफ दॅट वॉट हॅपन्स युअर कॉन्फिडन्स वाईल टॉकिंग टू द पीपल वन टू वन वेन यू आर टॉकिंग टू कस्टमर ऑर यू आर टॉकिंग टू द प्रॉस्पेक्ट दॅट कॉन्फिडन्स ऑटोमॅटिकली बिल्ड येस ऑर नो Navnath sir, do you agree? Yes, agreed. Yes, sir. Yes. जेव्हा आपण 20 लोकांच्या समोर बिंदास बोलू शकतो तर एक कस्टमरला तर इझिली हँडल करू शकतो सो यू गेट अ ग्रेट कन्व्हिक्शन पॉवर अँड यू बिकम कॉन्फिडन्स सो डोंट इग्नोर दिस स्किल प्रेझेंटेशन स्किल इट इज व्हेरी मच नेसेसरी इट इज मस्ट फॉर बिझनेस ओनर अँड इट डायरेक्टली हेल्प्स टू द बिझनेस ग्रोथ for your networking or your image or your branding yourself so it directly helps you become different than the other business owners tumhala hi maiti hai ki kiti business owner samor yeun bolu shaktat khup kami right and you should be the one who will look different yes or no so these are the importance and everyone must learn this presentation skill work on it and try to implement let us go to the next part which is how to prepare yourself ata importance ka lag in presentation karna garjecha hai so preparation kashi karayachi sagani image jar baghitli tar tumhala kay athavta Navnath sir since your video is on you are always presentable so I would like to ask the question to you baki chanchi video off aslyamule since they are not presentable now I don't feel like asking question to anyone apart from you image bagun tumhala kay vatte konte angle ne nakki tumhala vicharayche sir kaun sa angle se aap puchho je tumhala vatat asel like ata topic ahe apla how to prepare yes so how to prepare ke angle se agar dekhenge to sheti shetkari shetacha nangarli chalu ahe
त्याला शेत उगवायचंय, पेरणी करायची आहे आणि शेतातून पीक काढायचंय. जर पीक काढायचं आहे तर शेतीची मशागत सगळ्यात अगोदर केली पाहिजे. मशागत करण्याचं काम या ठिकाणी ती मुलं किंवा त्या ठिकाणी जी शेतकऱ्यांची मुलं आहेत ती करताना दिसत आहेत. आणि हे प्रिपरेशन जर नसेल तर तुम्हाला पीक चांगली येणार नाही. दॅट इज द बेस्ट. ग्रेट ग्रेट, थँक्यू सो मच नवनाथ सर, यू ऑलरेडी आन्सर माय क्वेश्चन. सो शेतकरी त्याला माहित, त्याला पीक जर हवं असेल त्याला माहिती आहे की आपल्याला किती मेहनत करायची आहे. सो फर्स्ट ऑफ ऑल ही इन्व्हेस्ट हिज टाइम, सेकंड ही इन्व्हेस्ट हिज एफर्ट्स, अँड ही हॅज पेशन्स. ही नोज दॅट आय विल गेट सम गुड रिझल्ट इन द फ्युचर. चौथी गोष्ट आहे the farmer belief that some day there will be a good crop and there will be good result and he will get the fruit. So preparation for business presentation is the same. You need to put time, efforts, and you should have patience that aplya presentation madhun changlas nakkis result mil, and there should be belief. You should believe that presentation is must and I need to prepare this and I need to spend specific time, dedicated time to prepare my business presentation. So I don't want to lose any opportunity. If someone calls me for presentation, I don't want to screw up my product, my image and my brand. So likewise, it takes 1 hour of preparation for each minute of presentation time by Wayne Burgreff. Same case with my presentation. If you will not believe, I have given this presentation multiple times, but still I started this presentation 10 to 12 days before, because I know every presentation, every training or every talk, the audience is different, the environment is different, the situation is different. Sometimes there is lockdown, sometimes there is no lockdown situation, market is down, market is up. So all different situation, based on that, the presentation will change, the content will change, right? So I have to prepare. Just because my presentation was ready, PPT was ready, and I have already delivered, I just came and started talking, it is not like that. I can show you the documents I have prepared just for going through the ideas. Me kutla kutla idea generate karayche. Whatever techniques I am telling you, like how to start, how to begin, yes, sagya goshti I am implementing in my presentation. I didn't started my presentation, good morning everyone, today I am going to talk about presentation skills. No, not like that. I started something different. So those things you will see in this presentation also. Now when we talk about preparation, first, what do we think? हमारे पीपीटी में कंटेंट क्या डालू, हमारे माइंड में यही सवाल आता है सबसे पहले, कैसे स्टार्ट करूं, कंटेंट क्या डालू, क्या क्या होना चाहिए, ऐसे करते हैं हम लोग, राइट? बट वी नेवर थिंक अबाउट द पर्पस. आई हैव यूज्ड दिस पर्पस फॉर दिस प्रेजेंटेशन आल्सो, लेट मी शेयर दैट. इन दिस वी शुड ऑलवेज थिंक व्हाट इज द ऑब्जेक्टिव ऑफ दिस प्रेजेंटेशन, व्हाट व्हेन यू फिनिश योर प्रेजेंटेशन what audience should think, what they should feel and what they should act. Ye teenon cheeze bahut important hai and I use this for my presentation also. When I was preparing my presentation, I started with the purpose. Okay, I want my audience to think that, oh, that means after listening my presentation, they should think that, oh, I never thought about that presentation can be given in this way. What my audience should feel? My audience should feel that, what if this person will help me in my business growth? Maybe for helping my team, employees. What should my audience act? So I want my audience, after finishing this particular presentation, that they should start utilizing the tools and tips that I'm sharing into their business presentation immediately. Immediately they should change your PPT. I know you have already prepared your business presentation PPT and you should start modifying that immediately. That is the action I want. So that was the purpose, and I'm sure I will get that from this presentation.
So purpose is most important. Mr. Karl Buschner says they may forget what you had said, but they will never forget how you made them feel. मेरे इस प्रेजेंटेशन में ये प्रेजेंटेशन होने के बाद आप सब लोग मोस्टली भूल जाओगे कि प्रेजेंटेशन में क्या था, कल परसों भूल जाओगे धीरे धीरे, बट आप ये कभी नहीं भूलोगे कि मैंने आपको जो फीलिंग दी है कि आपका बिजनेस प्रेजेंटेशन आपके लिए कितना जरूरी है, ये जो थॉट है, ये जो फीलिंग है, ये हमेशा आपके साथ रहेगा. दैट इज व्हाट आई वांट टू कन्वे. How to prepare? There are multiple steps. We have just seen what is the purpose. Okay. Now let's come to the content. So in content, what do we do mostly? We always think, well, how should we begin, isn't it? What I suggest to you guys, now as a business owner, we have multiple products. Never ever put all the products in one presentation. Use the power of one. You can आप एक सेंटेंस में बोल सकते हैं कि मेरे ये सारे प्रोडक्ट्स हैं. एक सिंगल स्लाइड में बोल सकते हैं कि ये सारे प्रोडक्ट्स हैं. मे बी आप ब्रोशर यूज कर सकते हो. ऑफलाइन जो हम लोग प्रेजेंटेशन देते हैं, कैटलॉग यूज करते हैं, उसमें आपके सारे प्रोडक्ट हो सकते हैं. बट वेन यू आर गिविंग अ प्रेजेंटेशन अबाउट योर बिजनेस, टॉक ओनली अबाउट वन प्रोडक्ट इन डिटेल. एंड सो in that way we avoid the confusion from the audience. So don't do that. Content should be very clear what you are going to talk about, what is the problem and what is the solution that you are giving. That is what your presentation should be, with one single particular product. It could be your niche product or any other product that you want to present. Understand the duration of your presentation. Aap ek ghanta baat kar rahe, 40 minutes baat kar rahe, 10 मिनट बात करें, what is your duration and based on that you need to act. Now, inexperienced business owner, what they do, presentation के समय उनको ना कभी कभी कुछ स्टोरी याद आ जाती है एंड दे स्टार्ट शेयरिंग द स्टोरी एंड बिकॉज ऑफ दैट सिंस इट वॉज नॉट प्लैंड द स्टोरी वॉज नॉट प्लैंड टाइम अप हो जाता है एंड देर इज नो टाइम रिमेनिंग फॉर कंप्लीटिंग द प्रेजेंटेशन. सो you will not believe in my presentation, whatever example I am giving you, each and for every topic, the example that I will share, they are already planned. They are not dynamic because I want to finish in time. We need to understand the audience, whether they are business owners. Well, if they are business owners, what is their turnover? Is it one CR turnover or is it 100 CR turnover of business audience? Based on that, your presentation will change. Right, you need to generate ideas for preparation like I did. Sote samay, car chalate samay, nahate samay, or maybe while watching TV, you need to think about your presentation to generate new ideas. So just imagine, for your presentation, think that some honored guest like maybe Ratan Tata or someone is coming to your home for dinner. Do you think that you will prepare the regular meal that we are eating? No, right? You will prepare something special, isn't it? Similarly, your business presentation is very special. You need to put time and efforts and generate new ideas so that it becomes impactful. Presentation to koi bhi deta hai, बट उसका इंपैक्ट कितने लोग क्रिएट कर सकते हैं, दैट रियली मैटर्स. एंड दिस सेशन इज ऑल अबाउट दैट. यू नोट डाउन द टिप्स और ट्रिक्स दैट यू फील दैट दीज आर वेरी इंपॉर्टेंट एंड आई शुड इंप्लीमेंट दिस इन माय बिजनेस. सो यू कैन नोट इट डाउन. सो जनरेट लॉट्स ऑफ आइडियाज फॉर योरसेल्फ. स्टार्ट डूइंग इमेजिनेशन. इमेजिन करो कि आनंद महिंद्रा आपका प्रेजेंटेशन देता है आपके प्रोडक्ट के बारे में, तो कैसा देगा? Then you will think in altogether different angle. Oh my God, ये तो अलग ही presentation हो जाएगा. So generate ideas and start doing imagination. Do some research, grab some information from Google. Try to talk to others. दूसरे लोगों से बात करो, दूसरे business owners से पूछो कि how can you contribute? How can you generate some ideas for me?
and then finally you outline. If you will not believe, I have lots of documents with me where I can show you something like this. I have outlined my preparation. So all the presentation, start kaise hona chahiye, end kaise hona chahiye, what question I should ask, what should be the example, what should be my success story, ye sare cheeze outline pehle drop kijiye or write down kijiye, and then you start into the detail level. Usme hum log har slide mein kya kya add karna chahiye. So next comes to how to begin your presentation. Kuch business owner false start karte hai, kuch negative start karte hai. They will start something like, good morning everyone, my name is Prakash Chaudhary. I am going to talk about 5 hacks of great presentation skills. Now this is boring. Everyone starts like this. It should be something different. Some people start something like, good morning everyone, I have not prepared, but let me give a try. Now this is negative. You are already declaring that you are not preparing. You have not prepared. So why are you wasting our time? Audience ko aise hi lagta hoga, right? Some people will say, okay, shall I start? That's not the way to start. When you start, you need to take a pause and then start with something that will grab the attention of the audience. I know when I started my presentation, I have grabbed the attention of every one of you. When you start, what you can do, you can start with some shocking statement. You can start with a great question. You can start with some fact of interesting fact of your industry, which no one knows. And it is just a matter of 1 minute. गूगल पे जाओ, कोई अपने इंडस्ट्री का फैक्ट ढूंढो और प्रेजेंटेशन में डाल दो. इट क्रिएट्स द इंपैक्ट. बट बिजनेस ओनर, आवर टेंडेंसी इज दैट वी डोंट वांट टू पुट एफर्ट्स फॉर द प्रेजेंटेशन स्किल्स, राइट? सो यू कैन यूज ऑल दिस थिंग्स. यू कैन स्टार्ट विद सम शायरी और एनीथिंग, एनी जोक और एनीथिंग. ऑन अ लाइटर नोट यू कैन स्टार्ट, बट इट शुड बी समथिंग डिफरेंट देन the boring way of starting the presentation. Those 5 key qualities which you guys are looking into me, I will tell you that when you present your business presentation, audience kya dekhti hai tumhare andar. Sabse pehle they look into the dynamism. Are you seriously dynamic? We will come to the voice and all those things later, but are you creating interest so that audience will listen to you? So dynamism, along with that, there is enthusiasm. Are you really excited to share what you are sharing? When you are sharing your product details, services, do you really have excitement when you show the product details, when you sell the product? If you do not show the excitement, why someone will buy your product and your service? So sometimes, maybe by heart, you really want to sell the product or you really want to share that I am doing this great thing. But if people cannot see from your body language, no one will believe. And that is the part of communication. So dynamism, enthusiastic, confidence. You need to show the confidence. Have you seen someone, some business owner, who is uncomfortable on the stage while speaking? क्या आपने ऐसे business owner को देखा है जो uncomfortable है बात करते समय, business presentation देते समय? Yes or no? Right? तो हमने ऐसे business owner को देखा है जो stage पे uncomfortable है. And how do audience feel at that time when the business owner is uncomfortable while speaking? The audience also feel uncomfortable. Yes or no? Audience feel, hey, why is talking here? He should stop it. Something like that. Audience start thinking because he is not comfortable.
वो बात कर नहीं रहा है प्रॉपरली. वेदर यू आर फोकस्ड और नॉट, वेयर शुड बी द फोकस ऑफ द स्पीकर, इट शुड नॉट बी द पीपीटी और इट शुड नॉट बी ऑन हिम हाउ इज टॉकिंग, इट शुड बी ऑन द ऑडियंस, व्हाट ऑडियंस वांट. इन वन ऑफ माय वर्कशॉप आई वाज कंडक्टिंग द वर्कशॉप एंड टू पीपल in the audience, they were talking with each other and it was disturbing the whole room. So what I did, I gave a pause and I didn't say anything. After few seconds, everything was quiet and again I started my workshop because my focus was on the audience. What audience is doing, what audience is listening, whether they are feeling bored or not. And if you are feeling bored, I have the technique. I start asking questions. That is why I'm asking the questions to you guys. Because after a few seconds, few minutes, I know people may distract. So let's start asking the question. If I start asking, I ask to Dr. Sudhir or anyone from you guys, I ask that question so that people are alert. Aap jab business presentation dete ho, whatever time it is, 10 minutes, 20 minutes, don't just speak alone. You need to make your audience interactive. If you feel your audience is bored, start asking questions. That is the best way to make them interesting. And finally, you should be real. You should be genuine. There should not be fake. आप किसी trainer, किसी speaker का copy नहीं करना चाहिए. So आप अपने ही language में, अपने ही realness दिखाना चाहिए. So are you ready to learn the secret of presentation? Navnath, yes, we are ready, sir. Yes, we are ready, sir. Great. All right. So, Prakash sir, एक मिनट मैं आपको स्टॉप करता हूँ. जितने भी पार्टिसिपेंट्स हैं, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए, क्योंकि काफी सही सही मुद्दे हम लोगों को मिल रहे हैं यहाँ पे. बहुत कुछ चीजें सीखने को मिलने वाला है हम लोगों को, और ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है कि हमारे बिजनेस में हमारा प्रेजेंटेशन हम लोगों को कैसे बनाना है, उसको कैसे प्रेजेंट करना है. और ये सब चीजें सीखने के लिए आज का सेशन कंप्लीटली इंटरेक्टिव सेशन है. सो आई रिक्वेस्ट टू एवरीवन कि आप अपना अपना वीडियो ऑन कीजिए और सेशन में इंटरेक्ट कीजिए. आई रिक्वेस्ट टू अगेन एंड अगेन ऑल उद्यमीज, आपका वीडियो ऑन कीजिए और ये सेशन में पार्टिसिपेट कीजिए. आज का जो सेशन है कंप्लीटली इंटरेक्टिव सेशन है और काफी अच्छी तरह से हम लोग आगे मूव कर रहे हैं. सो आई रिक्वेस्ट अगेन टू अगेन अगेन एंड अगेन हैंड ओवर टू प्रकाश सर. ओके सर. ओके सो लेट्स कंटिन्यू. लेट मी सर जस्ट मिनट, लेट मी शेयर एडजस्ट माय स्क्रीन. Great to see your faces. Now I think this is the great thing Navnath sir has done to put on their videos, and I can see your faces. Now I am really feeling lively. I am talking to the live people. Okay, so I'm really excited to continue my presentation. Thank you so much, all of you. So the secret of your business presentation is, I think I am two slide ahead. Hold on. Yes. Your voice and body. You may not thought about it. And I am going to share few small techniques for voice and body language that I am already implementing. And by doing that, you don't need to do any public speaking course. As a business owner, if you follow this voice and body language tips, you don't need to do any other extra course. It will definitely create an impactful presentation. I am very sure about that. So let's understand first voice. आपने बहुत बार देखा रहेगा business owner जब presentation देते हैं तो एक plain language में, plain voice में business presentation करते हैं. So you know that when the what is that called, ECG graph goes like this, that means the patient is alive.
अगर वो ऐसा ना हो के ऐसा हुआ तो क्या होता है? पेशेंट इज डेड. सीधा है तो डेड ही होगा. करेक्ट. सो व्हेन वी गिव द प्रेजेंटेशन विथ नो वेरिएशंस एंड नो वॉल्यूम अप एंड डाउन एंड नो मॉड्यूलेशन देन द प्रेजेंटेशन इज डेड. आफ्टर द प्रेजेंटेशन I don't think whether we think that whether my presentation will help me to get my business or not. आजकल कुछ business owner लोगों ने ये तो छोड़ ही दिया है कि मेरा presentation से कुछ business मिलेगा, क्योंकि उन्हें खुद को confidence नहीं होता है कि मेरा presentation excellent हुआ है. So it's all in your voice. See, आपका product है, आपका service है, everything is by heart. You just need a push in the sense you just need small techniques where you can change your voice and where you can change your body to make it a great impact. Let's understand what are those things. In voice, we have something called stress. Giving a stress on particular word and see how it creates the impact. Okay. And it's easy to prove just by giving a stress on the word. The meaning of the word, meaning of the sentence completely changes. If you see the dictionary meaning of a word, and if you, by giving a stress on a particular word, you can change the meaning of the sentence. And it's very easy to prove. I can prove that. Let me give one sentence, okay? I will give a plain sentence first. Uska meaning dekhte hain. Aur main uske baad us word pe stress karta hoon. And this is all planned, okay? In your business presentation, आपका अगर कोई success story है और आपको by heart genuinely आपको express करना है कि मैंने ये सब काम किया है, genuinely किया है, जब तक आपके बोलने में वो दिखाई नहीं देगा तब तक वो उसका impact नहीं create होता है. No one believe. So let me show you one example. I have a sentence. In my business career of 7 years, we never compromise on customer service. Even if we did mistake, we corrected in such a way that our customer is bound to give us referrals. Now, this is a statement that mostly business owner will tell about themselves. Okay. Now, what if you give a stress on some few words with proper planning? And see the impact of this particular sentence on the audience mind. In my business career of 7 years, we never compromised on customer service. Even if we did mistake, we corrected in such a way that our customer is bound to give us referrals. Do you see the difference? I have given stress on two words, never and bound. और ये सब कुछ हम प्लान करके अपने प्रेजेंटेशन में डाल सकते हैं. इवन इफ यू यूज 4-5 सेंटेंसेस विद सच टाइप ऑफ चेंजेस विद एंड द इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट्स. ओके, व्हेन यू आर, लेट्स से यू आर गिविंग योर, यू आर टेलिंग योर सक्सेस स्टोरी और आप चाहते हैं कि उसका इम्पैक्ट ऑडियंस के दिल पर एकदम से होना चाहिए, तो आपको उस तरीके से आपके वर्ड्स में वॉइस में मॉड्यूलेशन आना बहुत जरूरी है. एंड देन यू प्लान इट एंड देन से एग्जैक्टली द सेम वे एंड इट विल डेफिनेटली क्रिएट द इंपैक्ट. सो नाउ इन दिस पर्टिकुलर सेंटेंस जो मैंने सेंटेंस यूज किया है जहां पर मैंने नेवर और बाउंड ये सारे ये दो वर्ड्स पे स्ट्रेस दिया है, व्हाट डज इट शोस? इट शोस दैट आई एम वेरी पैशनेट. इट शोस माय व्यू पॉइंट. That never, never पे जो stress आया ना, it brings the drama to the sentence. It shows the that you are very serious about your business. Customer के ये subconscious mind में चलता है, and that helps to create referrals or business. So that is about giving a stress. When we talk about speed, so most of the great leaders, what they do, they give stress on one word and then remaining word, they talk with a great speed. They rush to the end of the sentence. So many variations we can create in our presentation when we use the stress and speed. Main speed se related kuch example dena chahta hu.
आप भी ऐसे कुछ एग्जाम्पल पहले से सोच के रखो ताकि आपका प्रेजेंटेशन इंपैक्टफुल हो. इसलिए मैं कहता हूँ प्रेजेंटेशन नीड सम टाइम एंड एफर्ट एंड दैट इज वन टाइम. उसके बाद यू जस्ट नीड टू जनरेट आइडियाज एंड डू सम माइनर मॉडिफिकेशंस. ओके सो हियर इज द सेंटेंस. इफ आई से व्हेन वी टॉक अबाउट स्पीड आई एम सेइंग द ऑर्डर दैट वी गॉट इज 15 लाख रुपीस. दिस इज प्लेन. ओके इफ आई रिड्यूस द स्पीड एंड आई से द ऑर्डर दैट वी गॉट इज 15 lakh rupees. Here what I did, I changed the syllable, every syllable, and I reduced the speed, and because of that it appears that I am increasing the amount itself. Asa tacha artha hoto mhanje tacha feeling yeta ki I am trying to increase that amount. So whoever is listening, if you are talking to your team members, your team in your organization, and you are telling them, guys, we got the order of 15 lakh rupees. If you're telling something, maybe language doesn't matter, Marathi or so, whether it is Hindi or English. But if you use this technique, they will be very excited. Oh my God, 15 lakh, something like that. And if you say something like, if you are giving a business presentation and you say, last month, we got 5 success stories. Instead of saying, last month we got 5 success stories. No impact. It is all how you change your speed, how you give the modulation stress on the sentences. Now, if you, these two things, stress and impact, they are very important concept. You can become master and you, if you work at it. Okay. If you really want to learn this, I am there to help you out. You can just give me a call. We can talk about it. We can seriously work on your presentation. What are those one or two PPTs where we can create this impact of voice so that, you know, audience will be very serious about you, that you are a great presenter. The second thing which comes under secret is body language. Most of the people, now we are giving online, but जब हम ऑफलाइन में देते हैं उस वक्त भी बॉडी लैंग्वेज रियली मैटर्स. यू विल शॉक बाय सीइंग दिस पर्टिकुलर इमेज. लेट मी गो टू द नेक्स्ट. यस आई थिंक एवरीवन नोज दैट दिस पर्टिकुलर सर्वे. सो 55% व्हेन यू कम्युनिकेट इज योर बॉडी, 38% इज वॉइस, टोन ऑफ वॉइस, एंड ओनली 7% इज योर वर्ड्स. So whatever I am talking, the content of my presentation is just 7%. Jo aap sun rahe hai, the words, that is 7%. 93% of the impact that my presentation will create on you is my voice and my body language. Now in body language, what do you see? Online presentation mein hum kya dekhte hain? आंखें कैसे घूम रही है, हाथ कैसे घुमा रहा हूं, whether I am sitting straight, whether I am looking straight into your eyes, that is what we can see. In case of, I am also sharing, going to share online tips at the end of this presentation. But there are many business or owners that they do not take body language seriously. See, you start communicating with the audience or people without speaking a single word, because your body starts communicating. That's why it is called body language. Language means what to communicate, and your body starts communicating, right? So without opening a mouth, you start communicating. So body role plays a great, great impact on your presentation. So there are so many positive and negative body things. For example, some people put their hand in the pocket, some people scratch their nose, something like this. Lots of things are there which shows that what type of person you are. I have already, in the NLP, I have learned through person's body language, we can judge what type of
person he is, what is the, what is, what could be his annual income, what is his health or daily routine. We can easily identify that. That is the power of learning about the body language. So if there is smart customer, he can easily recognize if you're giving presentation with a negative body language. Okay, there are, so I think you understood what I'm trying to say. What are those negative things and what are those positive things? If you are simply sitting like this and you are simply talking, people will automatically sleep or they will feel bored. Until and unless I change my face, my voice, my hand movement, it will not look interactive. So all the things that I'm sharing with you, these techniques or tips, I'm already implementing in this presentation, if you can observe that. These are the ways people stand. Sometimes we stand on one leg, sometimes hands in the pocket, sometimes we are taking support of chair, support of podium, and lot many negative things are there, isn't it? आणि आपण सगळ्यांनी बघितलं असेल, मोस्टली आपण आता ऑनलाईन प्रेझेंटेशन करतो, समटाइम वी विल डू लाईक दिस हँड, समटाइम वी विल डू लाईक दिस, समटाइम समथिंग लाईक दिस, म्हणजे लॉट्स ऑफ निगेटिव्हिटी गोईंग ऑन अँड द व्हिडिओ इज ऑन, पीपल आर लुकिंग एट यू. यू नो वॉट वन इंटरेस्टिंग थिंग, वेन समवन इज प्रेझेंटिंग, देर आर फ्यू पीपल हू विल सिम्पली गो इन द पार्टिसिपेंट्स अँड दे विल ऑब्झर्व वॉट पीपल आर डुईंग. I think you might also be doing the same thing. So ऐसे बहुत सारे लोग होते हैं जो एक दूसरे को ऑब्जर्व करते हैं कि इसके पीछे क्या है, ये कर क्या रहा है. So as a business owner, we should be always presentable. We need to make sure there is no background person moving on and all those things. That is all about presentation, guys. Coming to closing, how to close? Most of the time, I have seen the owner close something called false closing ya fir emergency closing. False closing matlab okay, thank you so much for inviting, that's it, no other additional, no other message, no other summary, nothing. Some business owner, they do emergency stop something like okay, how much time is remaining? Okay, if there is some time, I will continue. Otherwise, okay, thank you so much. Tala manta the emergency stop. See, we have spent lots of time in preparing the presentation. We have worked hard on start or how to begin. And if your ending is wrong, what will happen? If you're, hum log koi movie dekhne gaye, और मूवी का एंडिंग सही नहीं रहा तो क्या होता है? आप खाना खा रहे, खाना बहुत ही टेस्टी था, बट लास्ट बाइट में कुछ कंकड़ या कुछ तो आया है, कैसा फीलिंग होगा? वी विल फील समथिंग इज मिसिंग, राइट? सेम थिंग अप्लाइज टू प्रेजेंटेशन. डू नॉट एंड योर प्रेजेंटेशन विद अ इमरजेंसी स्टॉप. ओके, थैंक यू, नॉट लाइक दैट. अगर चलती कार में इमरजेंसी ब्रेक लगा दिया तो एक्सीडेंट ही होगा. यू विल नॉट गेट द आउटपुट फ्रॉम योर प्रेजेंटेशन. योर क्लोजिंग शुड बी सॉरी समथिंग विथ समराइजेशन. वॉट एवर यू हैड टोल्ड इन योर प्रेजेंटेशन, यू नीड टू समराइज. सी, वेन द ऑडियंस गोज आउट, यू नीड टू गिव देम अ पैकेट. एक ऐसा पैकेट देना चाहिए जिसमें वो, because audience does not remember what has happened in the first slide, second slide, third slide. So it is your duty to summarize. The way I will summarize when I am done, okay? Or you can observe that. So you need to summarize all the things step by step in 4-5 sentences and then close. For that, you need to have a proper planning. You need to make sure aapke paas 10 minute diya hai, to 10 minute mein wo summary ke saath kaise close karenge. Some of the business owner has habit of sharing some new information at the time of closing summary, and they remember and they think that, oh, I forgot this point,
and they start sharing that, you are confusing the audience. Summary matlab summary, just close it. And your closing should be with call to action. What do you want them to do after your presentation? It's like asking for some referral. It's like asking something special for you. So aapne presentation to kya, aapko chahiye kya? If you're not telling them what your audience should do, what should be their action, then it's of no use, isn't it? Finally, your presentation should end with a bang. Your last statement should not be the normal statement. It should be something interesting. Like I said, the beginning statement and the end of the presentation should not be the normal statement. It should be something different. And it should be in such a way that audience is bound to clap for you. ऑडियंस क्लैप कब करता है पता है आपको? जब उन्हें फील होता है कि यार क्लैप करना चाहिए. और वो फीलिंग कब आता है? कि जब कोई खास कुछ अच्छा सेंटेंस, कोई अच्छा सामने वाला कोई अच्छा कुछ बोलता है. सो डोंट एंड थैंक यू सो मच, नो वन विल क्लैप एक्सेप्ट नवनाथ सर, नो वन विल क्लैप बिकॉज ही इज द होस्ट, राइट? सो योर प्रेजेंटेशन शुड एंड विद अ बैंग. नाउ हियर ऑल्सो you can see my example. Let's understand online tips. Online mein kya hota hai ki you are presenting to the people whose videos are off. Now you don't know whether people are listening or not. So in such case, it is your responsibility to make them active. आप बिजनेस प्रेजेंटेशन दे रहे हैं बट ये आप कभी सोचते नहीं कि कोई सुन रहा है कि नहीं सुन रहा है. और ये कब आता है? ये मास्टरी जब आता है कि जब आप कुछ एफर्ट्स डालकर प्रेजेंटेशन बनाते हैं और मल्टीपल टाइम आप प्रेजेंटेशन देते हो, दैट टाइम यू गेट दैट मास्टरी हाउ टू कंट्रोल दैट ऑडियंस. सो फर्स्ट ऑफ ऑल, लुकिंग एट कैमरा. सम बिजनेस ओनर व्हेन दे प्रेजेंट, दे लुक below, down, here or there, but they forget about the camera. So when you look at the camera, then audience feel that you are looking at them. So in between, you need to look at the camera also. Background really matters. It should not be distracting. Most of the people I have seen, they are very distracting. Very distracting. Hamare jaise log, jo matlab jo presentation mein, कम्युनिकेशन में थोड़ा बहुत उनको जो नॉलेज होता है, लाइक व्हेन आई जॉइन एनी मीटिंग, आई फर्स्ट लुक व्हाट इज व्हेदर दिस गाय इज प्रेजेंटिंग हिमसेल्फ और नॉट, व्हाट इज हिज बैकग्राउंड. अरे इसके पीछे तो कोई लड़का घूम रहा है. आई मीन समटाइम्स इट इज नॉट पॉसिबल टू कंट्रोल, बट एटलीस्ट वी कैन ट्राई, राइट, टू हैव अ डिसेंट बैकग्राउंड. देयर शुड नॉट बी एनी डिस्टर्बेंस, इजंट इट? देयर आर लॉट्स ऑफ waste technology is there to make a virtual background like Navnath sir is using. Why don't we use it? Because we are not ready to put efforts. Avoid headphones. Some people use that big headphone. Now this is my personal view. Isme koi kisi isko personally main kuch nahi bolna cha raha hu, but this is my personal view that I avoid using the headphone. Because when I use this, the bigger headphone, I feel like I am a monkey or something. So why I give this suggestion? Some people will use that phone, the wired phone, right? So they will hold the phone like this and then they will talk. So half of the mouth is invisible. Avoid. See how I am giving the presentation. My hands are totally free. There is no headphone, nothing. My face is visible to you all. Likewise, if you avoid the headphone, that is always, always better. Because I have a very decent, good quality laptop, and my voice is also very clear to you. Mala headphone use karichi garajas nahi. Even I can listen to you properly. You guys can also listen to me. Make interactive. As I said, ask questions if you feel audience is boring. Middle or beginning or end, anywhere, start asking questions. Don't just speak alone. You should have a backup plan.
if there is no power, what should I do? If there is no, okay, I got a message that your battery is running low. Let me put on the charger. What a timing. So you should always have a backup plan. Suppose there is no Wi-Fi. I have my phone. I can use the phone to use the hotspot and start doing it. I always do that. What if PPT is not working? I have the paper in my hand. I can start doing it. You might not see the PPT, but I can still start talking. If there is no power, at least I can start logging my using my phone and continue. So you need to have all this backup plan. Finally, there is one more thing, overcoming fear. बहुत से business owner को ये डर रहता है कि इतना time कैसे बात करे, कैसे prepare करे. So how to avoid that fear? There are many things to do that. If you do all these things, I can guarantee there will be no fear. Try this. Spend time on preparation. Very important. Don't ignore. Practice. If you don't practice, you will not be comfortable. You will not feel confident. You will definitely have fear. You need to practice whether you are doing your presentation in timing or not. Backup plan, as I said, okay. Do warm up. Stress आ रहा है, थोड़ा सा warm up कीजिए. Automatically, you will feel better. And visualize. Close your eyes before your presentation. These are very simple things. These are very minor things, but they really worked. If you believe or not, I don't know, but they really work. And I use that in my presentation. Visualize करो कि आपका presentation हुआ है and everybody is clapping. People are very happy with your presentation. Rehearsal can give you second chance, but your audience cannot give you second chance. Always do practice. And finally, with this quote, I would like to summarize you guys that when you give this presentation, whatever we have seen till now, you need to give the presentation to impress the audience. Sorry, to inspire the audience, not to impress. Hum impress karne ke liye presentation nahi de rahe, hum unhe inspire karna chahte hain. So that they will like our product, our services, and they will call back to us, right? So that is one thing. Second is, do not forget about the secret of presentation. Work on your voice and body language. If you need any help, anytime you can call me. I am always there to help you out. How we can make your at least one, two slides most interesting and impactful. Maybe your success story or something like that, whatever you want. We can do, we can work on that. Along with that, never forget the stage. Always be presentable, always. And with that, I would like to say thanks to Navnath sir for inviting me. I'm very happy to be part of a FEEP platform. It's a great platform. And immediately implement these tips and techniques in your presentation and have a great success in your business presentation. Thank you so much. Thank you, Prakash sir. आप फिप के प्लेटफॉर्म के ऊपर आए और अपने बहुत सारी चीजें यहाँ पे शेयर की है. आज के जितने भी ऑडियंस है, मैं सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि दिस इज द क्वेश्चन एंड आंसर टाइमिंग. कोई भी आपके पास सवाल होंगे तो यहाँ पे पूछिए. प्रकाश सर हमारे साथ में है. हम लोग और एक 15 मिनट का टाइम यहाँ पे लेंगे जिसमें हम लोग क्वेश्चन आंसर डिस्कस करेंगे और उसके बाद में हम लोग कंक्लूड करेंगे. सो रिक्वेस्ट टू ऑल ऑडियंस, कोई भी आपके पास सवाल रहेगा तो प्लीज यहाँ पे पूछिए. प्रकाश सर नमस्ते. नमस्ते सर. प्रसाद बोलतोय. यस. पॉवर पॉइंट प्रेझेंटेशन बद्दल तुम्ही सांगितलं, तर याच्याबद्दल टेम्पलेट्स किंवा टूल्स तुम्ही कसे वापरता याच्याबद्दल जरा थोडीशी माहिती सांगू शकाल का? नक्की. प्रसाद सर, ऍक्च्युली जेवढी तुमची पीपीटी सिंपल असेल ना तेवढं छान असेल. तर मी कुठलंही टेम्पलेट डाउनलोड करून काही वापरत नाही.
माझी पीपीटी तुम्ही बघितली असेल, एक छोटीशी इमेज प्रत्येक स्लाइडवर असते आणि त्या स्लाइडचे बुलेट पॉइंट असतात आणि बाकी काहीच नसतं आणि एक फक्त कलर कॉम्बिनेशन मी दिलेलं आहे. तर मी हे सजेस्ट करेल की पीपीटी जेवढी सिम्पल असेल जास्तीत जास्त आपला जो मेसेज आहे तो क्लिअर ऑडियन्स पर्यंत जाणं हे खूप गरजेचं आहे. अदरवाइज आय हॅव सीन मोस्टली द बिझनेस ओनर दे मेक देअर प्रेझेंटेशन व्हेरी कॉम्प्लिकेटेड, म्हणजे त्याच्यामध्ये बरेचसे टेक्स्ट फॉर्मॅट असतात आणि इमेजेस पण खूप कॉम्प्लिकेटेड असतात. इवन इफ यू आर शोईंग द प्रॉडक्ट मल्टिपल प्रॉडक्ट इन वन स्लाइड इट इज रिअली कॉम्प्लिकेटेड. एका स्लाइडवर जर एक प्रॉडक्ट दाखवलं तर इट इज रिअली गुड टू अंडरस्टँड व्हॉट इज दिस प्रॉडक्ट अबाउट आणि आपलं लक्ष पण जात नाही की त्या प्रॉडक्ट मध्ये काय काय दिलेलं आहे. सो आय थिंक यू बेटर मेक इट व्हेरी सिम्पल अँड वर्क ऑन द प्रेझेंटेशन मोर. तेवढंच मी सजेस्ट करेल प्रसाद सर. ग्रेट सर, खूप छान सजेशन दिले सर तुम्ही. एनीवन आस्क? प्रकाश सर, संजय मिरगा बोलतोय. हॅलो. येस सर. कोण? संजय मिरगा बोलतोय सर. येस सर, बोला. मला एक थोडस विचारायचं होतं सर की आपण जे म्हटलं की हे प्रेझेंटेशनचं जे टायमिंग आहे त्या टायमिंग विषयी काही थोडस सांगाल का? म्हणजे लाईक एक्झाम्पल 30 seconds असेल तर काय कंटेंट असावेत किंवा 1 minute असेल तर काय कंटेंट असावे, समथिंग लाईक दॅट. एनी गाईडलाईन्स, जनरल गाईडलाईन्स. ओके, सो शॉर्ट प्रेझेंटेशन आपण कधी देतो की एखाद्या ज्याला आपण एलिव्हेटर पिच म्हणतो किंवा कुठेतरी यु नो बिग शॉट गाईज आर देअर, दे आर स्टँडिंग and how to give a best presentation about us where we don't have much time, like 5 minute 10 minute asa kai vel nahi hai. To eka minute madhe kiwa 30 second madhe jar ka aplyala presentation dyaycha asel tar of course there are certain things that you need to highlight or sit down and make a list. What should I tell? Just for example, you need to tell about exactly what you do, how you help the society. There is a way to tell instead of telling I manufacture these or I provide this, I do waste management. There are different ways to put that product or that service in a different way. So maybe we can say something like I help society to do this particular thing. Okay. So in that way we attract the audience instead of and then you can obviously tell I do so and so and this is my I am very passionate about this. Manje the person should realize this guy is really good. I am very passionate about what I am doing. He aplya ta 30 second madhe jar sangitla tar tyacha impact hoil. Okay, thank you sir, thank you. And it should be prepared. Apan wherever he kadhi sangu shakat nahi. Correct sir, thank you. Yes. आपल्याकडे जर आपण म्हटलं तर आपल्याकडे इलिव्हेटर पिच जी आपण म्हणतो ते मल्टिपल इलिव्हेटर पिच आपल्याकडे रेडी असायला पाहिजे आणि ते कुठलं पिच कुठल्या वेळेला आपण वापरायचंय हे सुद्धा आपल्याला त्यावेळेला समजलं पाहिजे की म्हणजे आपण अगदीच कुठल्या वेळेला कोणाबरोबर आणि काय बोलणार आहे. अगदी बरोबर आहे सर. म्हणजे ऑडियन्स किंवा आपला समोर कोण आहे बरोबर त्याप्रमाणे आपलं ते प्रोडक्ट पिच करणं खूप गरजेचं आहे. दॅट इज ट्रू. येस, आय अग्री विथ दॅट. येस, एनीवन? सर, दिस इज भास्कर हियर. येस भास्कर, सॉरी ऍक्च्युअली आय जॉइन लेट. आय कंडक्टेड ट्रेनिंग जस्ट हाफ एन आवर मिनिट बॅक. आय फिनिश्ड. क्वेश्चन टू यू, यू सेड पीपल आर यू नो थ्रू युअर व्हॉइस दे आर गोइंग टू रिकॉग्नाइज यू और through your tone. So to overcome or we can say, is there any kind of exercise where we can stretch few words or where we can on different situation we can have a different wording, or is there any kind of exercise where we can my question avaaz sounds ka different tone. I got it. Manje tone is there any to improving a tone on while delivering any presentation? Yes, I can give you one exercise. Do you do reading
भास्कर सर पार्डन आप रीडिंग करते हैं? हाँ रीडिंग करता हूँ सर. ओके सो अगर आप रीडिंग करते हैं तो व्हाट यू डू व्हेन यू रीड यू स्विच करते हैं हम पर्टिकुलर वर्ड के ऊपर. यस एज यू रीड एज इफ यू आर इन फ्रंट ऑफ द ऑडियंस और आप जोर से रीड करिए मन में मत रीड करिए जोर से और ऐसे रीड करिए कि वो सेंटेंस आप किसी को बोल रहे हैं ऑटोमेटिकली द स्ट्रेस विल कम ऑन पर्टिकुलर वर्ड्स. यू आर एक्सप्लेनिंग अ स्टोरी टू समवन एंड इफ यू डू दिस 5 मिनट्स इन 1 month योर प्रेजेंटेशन विल चेंज अबाउट योर वॉइस. इट विल क्रिएट अ ग्रेट इम्पैक्ट. आता मी जे म्हटलं ग्रेट मी ग्रेट वर स्ट्रेस दिला yes or no right I give a stress because it really creates impact when I speak like this instead of saying it really create great impact asa dar matla tar ekdam it looks very normal ani apan presentation detana apla product service je ka apan present karto customer la he customer la he sagal normal vatta tyachamade tanna asa vatte ki yaar isme koi dam nahi hai automatically tyacha subconscious la te hit nahi hot until and unless you show genuineness in your product and business and it all comes because of the stress or you know stress on the words communication. So that is right, what right, is. Right. yes thank you sir. Yes Prakash sir thoda sa aawaz samskara vishayi sarvanna sanga na. Exactly kay manaycha mhanje tumhala थोडक्यात मला असं म्हणायचं की कुणाचा घोगरा आवाज येतो कुणाला बोलताना स्पीच द्यायला गेलाय आणि अचानकच त्याचा आवाजच गेलाय म्हणजे बऱ्याचदा एक्सपिरियन्स येतात लोकांना. ओके किंवा प्रेझेंटेशन द्यायला गेलोय होत आहे राईट त्याच्यानंतर खूप सारा बोललोय आणि आता आवाजच निघत नाहीये. तर यासाठी आवाज संस्कारावरती काही एक्सरसाइज तुमच्याकडे असतील तुम्ही काय सजेस्ट करू शकता? असं होतं का कारण की फर्स्ट ऑफ ऑल आपल्याला बोलायची सवय राहत नाही. एकतर आपण प्रेझेंटेशन कधीतरीच 5-6 महिन्यातून एखाद्या वेळेस देतो अदरवाइज वी नेव्हर कंटिन्युअसली स्पीक. मे बी आपण असं 1 तास कधीच बोलत नाही प्रेझेंटेशनच्या वेळेस. इवन मी एक्सपिरियन्स घेतलाय काही वर्षापूर्वी जेव्हा मी स्पीकिंग स्टार्ट केलंय आफ्टर माय आयटी करिअर आय स्टार्टेड स्पीकिंग सो इट स्टार्टेड पेनिंग हिअर आणि मला खरखर व्हायचंय. I used to drink water because my throat was not very clear and it always happened. The teacher also kuni jo kuni speaking madhe asto na it takes time. Now it is very clear non stop I can speak 5 hours 6 hours because I am used to now. So I would suggest you keep on giving the presentation multiple time. At least in the organization have some knowledge sharing session at least once in a week and you be part of it. You can have team also to part of it. Every week someone will share the knowledge and you get time to speak. Automatically your voice will become free. Great sir, great. Good evening sir. Yes sir. Ganesh Dombivli. Good evening. I just want to ask while doing presentation, if there is some crowd or say a single person, then if he is asking number of questions on our presentation itself or he has got some doubts, yes, repeatedly, because we want to give a presentation in limited time, it's half an hour presentation. True. Yes. If he starts asking questions, naturally the period is going to increase. Correct. So how to stop that, and then all the questions answer sessions we can have a theater. So how do we tackle it on the flow? Okay, first of all sir, before you start your presentation, I think Navnath sir already make it clear to all that we can have question and answers at the end, so audience were very clear about it. Sometimes when we start a business presentation and there is no host, we forget to tell about those things. Tumhala kai prashna astil you can note it down. We can talk about it at the end, but it is not hard and fast rule that all the questions will be taken at the end. Okay, sometimes to make them interactive you need to ask and you need to answer also. So we need to understand ki
how many is this person is dragging, if this person is taking a time of presentation, you can simply tell him, I think we can take all your questions at the end. Let me finish my presentation so that we everybody are on time. We will not waste everyone's time. That's how you can tackle, like, I guess. Okay. Yes. Thanks. Okay. Both achha, sir. Both achha. Thank you, sir. Yes, sir. Anyone else? And one more, sir. Please. I want to do a presentation to you. My presentation. I will be so, very happy. Yeah. So that I can learn from this. I want to take out my mistakes so that you can give me some teaching. Yes, so, yes, definitely, sir. Let's have one to one. We can have yes, a discussion. Thank you. I'm always there. Yes, sir. So likewise, if anyone is interested, we can have a discussion. We can work on your presentation. I am ready to spend time for you guys. Yes, yes. Great, sir. Great. Whatever the charges are there, I'll pay. No, don't worry. For initial discussion, I won't charge anything. I am ready to help you to give some tips for improving your presentation. Ganesh sir, यहाँ पे जो federation के platform के ऊपर जितने भी speakers आते हैं, सब लोगों का mindset वो देने के लिए आते हैं. True. So यहाँ पे कुछ भी हिचकिचाए मत. आपको जो लगता है वो मांगो, आपको मिलेगा. Yes. अच्छा. Yes, प्लेटफॉर्म ही उसी के लिए है कि इंडस्ट्रियल पीपल को हेल्प करें उनके बिजनेस में जो भी चैलेंजेस है. प्रेजेंटेशन इट इज ऑल्सो वन ऑफ द चैलेंज. अगर आप अच्छी तरह से प्रेजेंट कर पाते हो तो आपका बिजनेस, आपका प्रोडक्ट, आपका सर्विस दूसरे को अच्छी तरह से बता सकते हो. अगर आपके पास प्रेजेंटेशन स्किल ही नहीं है और आपके पास बहुत अच्छी तरह का माल है, बहुत अच्छी तरह सर्विस देते हो आप, लेकिन वो आप किसी के पास प्रेजेंट ही नहीं कर सकते हो, तो क्या आप वो बेच सकते हो? Exactly. इसका सही आंसर है नो. अगर आपको उसको सही तरह से किसी को बताना है तो उसके लिए प्रेजेंटेशन स्किल इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर बिजनेस. इसीलिए प्रकाश जी को मैंने रिक्वेस्ट किया कि सर आप इस प्लेटफॉर्म पे आ जाइए और हमारे जो उद्यमी हैं उनको आप एजुकेट कीजिए. नवनाथ सर, एक चीज मैं ऐड करना चाहूंगा. बहुत सही बात कही आपने. यहाँ पर जितने भी बिजनेस ओनर है, इवन इफ यू डोंट लाइक टू गिव प्रेजेंटेशन, यू हैव नो चॉइस. दैट इज व्हाट आई कैन से. यू हैव टू लर्न एंड यू हैव टू प्रेजेंट. परफेक्ट. दूसरा ऑप्शन ही नहीं है सर, ऑप्शन ही नहीं है. आपको करना ही करना है. अगर आप नहीं करते हो तो आपको फेल होना है. अगर आपको सक्सेस पाना है तो आपको प्रेजेंटेशन सीखना ही चाहिए, आपको प्रेजेंटेशन आना ही चाहिए. दैट्स इट. कोई अल्टरनेटिव नहीं है. इट इज नॉट रॉकेट साइंस. एनीवन कैन लर्न इट. यस यस. एंड दिस इज नॉट अ रॉकेट साइंस. लिटिल बिट टाइम एंड लिटिल बिट एफर्ट्स. दैट्स इट. ग्रेट. राइट माइंडसेट इज वेरी इंपॉर्टेंट हियर. Thank you, sir. Thank you very much. So, Prakash sir, आप इस प्लेटफॉर्म पे आए, आपका सही दिल से मैं आभार यहाँ पे व्यक्त करना चाहता हूँ कि आपने आपका टाइम दिया, सब उद्यमी के साथ डिस्कस किया, सब लोगों ने अच्छी तरह से डिस्कशन किया, तो एक काफी अच्छा इंटरेक्टिव सेशन हुआ सर. थैंक यू. तो इसी के साथ मैं सब बिजनेस ओनर को यहाँ पे कुछ सवाल करना चाहता हूँ. क्या आप सही मायने में ऊंचाई पे पहुंचना चाहते हो? यस सर. अगर सब चाहते हैं आपको सही मायने में ऊंचाई तक पहुंचना है, ग्रो करना है, सक्सेस पाना है, हैप्पीनेस लाना है, तो आपको आपका कम्युनिकेशन स्किल्स बढ़ाना जरूरी है. इसके ऊपर मुझे एक पोयम याद आई हो, मैं कुछ चार लाइन में यहाँ पे शेयर करना चाहता हूँ कि अपना सपनों की उड़ान कैसी होनी चाहिए. उसके ऊपर मैं कुछ लाइन्स यहाँ पे बोलना चाहता हूं. वो है, तू कुछ कर अलग, तू कुछ कर अलग, तू कुछ बन अलग, तभी तो नाम कमाएगा. तू कुछ कर अलग, तू कुछ बन अलग, तभी तो नाम कमाएगा. सपनों का है यहां ऊंचा आसमान, सपनों का है यहां ऊंचा आसमान, तू कुछ सोच अलग इस दुनिया से. भरना है तुझको लंबी उड़ान, भरना है तुझको लंबी उड़ान,
तभी तू ऊंचा बन पाएगा। माना रहो पे आएगी मुश्किलें हजार, माना राहों पे आएगी मुश्किलें हजार, तू संघर्ष कर तू आगे बढ़, तू संघर्ष कर तू आगे बढ़, तभी तो सपना साकार कर पाएगा। तू कुछ कर अलग, तू कुछ बन अलग, तभी तो नाम कमाएगा, तभी तो नाम कमाएगा। पंख होंगे तेरे भी मजबूत, पंख होंगे तेरे भी मजबूत, जब तू सपनों में साहस भर देगा। तू गिर, तू हजार बार गिर, फिर से उठ खड़ा हो, तभी तो सपनों में उड़ान भर पाएगा। तू संघर्ष कर तू आगे बढ़, तू संघर्ष कर तू आगे बढ़, तभी तो नाम कमाएगा। तू कुछ कर अलग, तू कुछ बन अलग, तभी तो नाम कमाएगा। जीवन में सफलता मिलेगी तुझे भी, जीवन में सफलता मिलेगी तुझे भी, जब तू कर्म सच्चे से करते जाएगा। अगर करेगा कुछ हटके इस दुनिया से, तभी तो खुद की अलग पहचान बनाएगा। तू कुछ कर अलग, तू कुछ बन अलग, तभी तो नाम कमाएगा। तू जीत ले अपने आप को ही, तू जीत ले अपने आप को ही, तभी तो दुनिया को जीत पाएगा। होकर विदा इस जग से भी, होकर विदा इस जग से भी, आने वाले कल में भी तू जीवित ही कहलाएगा। तू कुछ कर अलग, तू कुछ बन अलग, तभी तो नाम कमाएगा, तभी तो नाम कमाएगा। क्या बात है, ग्रेट सर, ग्रेट सर, ग्रेट सर, एक्सीलेंट, वेरी गुड सर, वेरी गुड, सुपर। सो इसी कुछ पंक्तियों के साथ साथ मैं आज यहाँ पे विदा लेना चाहूंगा। जल्दी ही हम लोग मिलेंगे, लेकिन उससे पहले मैं आप सबको रिक्वेस्ट करूंगा कि चैट बॉक्स में फीडबैक फॉर्म का लिंक भेजा हुआ है टीम ने, सो आप सब लोग फीडबैक फॉर्म फिलअप कीजिए, क्योंकि ये फीडबैक फॉर्म काफी इंपॉर्टेंट होता है हम जो ऑर्गेनाइजर्स हैं उनके लिए, कि हमसे कोई भी गलती होती है, कुछ भी आपको लगता है कि यहाँ पे अपडेशन होना जरूरी है, आप कुछ सजेस्ट करना चाहते हो, तो आपके सबके सजेशन के लिए वेलकम्स है। सो आई रिक्वेस्ट यू अगेन एंड अगेन कि आप सब लोग ये फीडबैक फॉर्म फिलअप कीजिए, सो हम लोग यहाँ पे कुछ इम्प्रूवमेंट्स कर सकते हैं, और वो इम्प्रूवमेंट के साथ साथ में आप लोगों को कुछ अच्छा देने की सोच सकते हैं। सो ये फीडबैक फॉर्म जरूर फिलअप कीजिएगा, और हमारा नेक्स्ट मीटिंग रहेगा बिजनेस मीटिंग बुधवार को सुबह 7 बजे, आप वहां पे भी पार्टिसिपेट कर सकते हो, उसका भी लिंक चैट बॉक्स में दिया हुआ है रजिस्ट्रेशन का। यहाँ पे मीटिंग अटेंड करने के लिए कोई चार्जेस नहीं होता है, लेकिन रजिस्ट्रेशन मैंडेटरी होता है। सो मैं वापस से आपको रिक्वेस्ट करूंगा कि जो हमारा वीकली बिजनेस मीटिंग होता है, यहाँ पे भी आप पार्टिसिपेट करो। यहाँ पे हम लोग कुछ बिजनेस एक्सचेंज करते हैं, कुछ रेफरल्स एक दूसरे को दे सकते हैं। ये पैंडेमिक सिचुएशन है, ये सिचुएशन में बिजनेस करने के लिए काफी मुश्किलें आ रही है, तो ये मुश्किलें को हम लोग पीछे छोड़ के आगे कैसे जा सकते हैं, इसके ऊपर सोच सकते हैं। सो इसमें नेक्स्ट सैटरडे को जो प्रोग्राम है उसके बारे में मैं बताना चाहूंगा कि हम लोग एक साथ आके यूनाइट वी गेन, एक साथ आके हम लोग कैसे गेन कर सकते हैं। ये पीओज एंड ओएफपीओज, इसमें नाबार्ड के रिटायर्ड चीफ जनरल मैनेजर ये सेशन देने वाले हैं, नागेश्वरा राव देसु ये इनका नाम है, जिन्होंने ऑलमोस्ट 36 ईयर्स उनका एक्सपीरियंस है नाबार्ड के साथ में, अलग अलग डिपार्टमेंट्स में उन्होंने काम किया है, इंस्टीट्यूशनल डेवलपमेंट, कोऑपरेटिव रिफॉर्म्स, इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, फाइनेंशियल इंक्लूजन, बैंकिंग टेक्नोलॉजी, स्ट्रैटेजिक प्लानिंग, प्रोडक्ट इनोवेशन, फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन, डिस्ट्रिक्ट डेवलपमेंट एंड क्लस्टर डेवलपमेंट, वाटरशेड डेवलपमेंट, ट्रिब्यूनल डेवलपमेंट, ये बहुत सारे डिपार्टमेंट में उन्होंने काम किया है, और ऑलमोस्ट 36+ ईयर का उनका एक्सपीरियंस है। और इसके लिए आप नेक्स्ट सैटरडे का जो प्रोग्राम है उसके लिए भी अभी इमीडिएटली आप रजिस्ट्रेशन करो, रजिस्ट्रेशन लिंक चैट बॉक्स में दिया हुआ है। तो फार्मर प्रोड्यूसर कंपनीज एंड फार्मर प्रोड्यूसर ऑर्गेनाइजेशन के साथ में हम लोगों को क्या बिजनेस अपॉर्चुनिटीज है, ये अपॉर्चुनिटीज सर यहाँ पे एक्सप्लेन करेंगे, और वो अपॉर्चुनिटीज को लेके हम लोग हमारे बिजनेस में कैसे ग्रो कर सकते हैं, जो एफपीओ का भी ग्रो होगा, एसएमईज का भी ग्रो होगा, हम जैसे जो सर्विस प्रोवाइडर है, प्रोडक्ट डेवलपमेंट वाले लोग है, उनको क्या अपॉर्चुनिटीज है यहाँ पे,
तो इसके बारे में हम लोग नेक्स्ट सैटरडे डिस्कस करेंगे। और इसके साथ में मैं आज यहाँ पे विदा लेना चाहता हूँ। उससे पहले अगर किसी को कोई क्वेश्चन रहेगा तो एक दो मिनट्स में हम लोग वो क्वेश्चंस लेंगे और कंक्लूजन करेंगे। आई थिंक किसी का कोई क्वेश्चन और सजेशन है यहाँ पे? समित सर को कुछ तो बोलना है। समित सर, कैन यू जस्ट हैव सम? नहीं सर, आज का सेशन बहुत अच्छा रहा। प्रकाश जी ने बहुत ही अच्छे से सेशन लिया और कुछ नए टिप्स भी मुझे मिले। थैंक यू वेरी मच। ग्रेट प्रसाद सर, आपके पास से कोई फीडबैक है? सर आप बहुत ही अच्छा उपक्रम आप चला रहे हो, तो इसके बारे में तहे दिल से हम आप सभी को बहुत बहुत शुक्रिया अदा करना चाहूँगा। एंड आज का जो सेशन था प्रेजेंटेशन के बारे में, तो उसमें कुछ दो तीन टिप्स जो मैं फॉलो करता हूँ वो मैं देना चाहूँगा, ताकि मेरे जो साथी सहयोगी जो है इन्हें ये शायद कुछ इस बात का लाभ होगा। तो जैसे बड़ा एक मॉब जब होता है तो उनके सामने जब हम खड़े रहते हैं कुछ अपनी बात पेश करने के लिए, तो एक स्टेज का फियर जो होता है तो उसको ओवरकम करने के लिए नॉर्मली एक लगता है कि जब हम किसी के सामने बात कर रहे हैं तो आई टू आई कॉन्टैक्ट एस्टेब्लिश करने से और भी ज़्यादा डर बढ़ जाता है। तो मैंने ऑब्जर्व किया है कि जब आप देखेंगे, देखना तो ज़रूरी है, कॉन्टैक्ट तो ज़रूरी है, लेकिन अगर वो फियर भगाना है तो आप अगर स्टेज पे खड़े हैं तो सामने जो बैठे वाले जो ऑडियंस है तो उनके बालों की तरफ देखिए, तो लोगों को लगेगा कि आप उनकी तरफ देख तो ज़रूर है, लेकिन अपने लिए जो एक डर रहता है कि जब हम किसी को फेस करते हैं तो उनका आई कांटेक्ट हमारे से जब मिलता है तो पलके जो है ना नीचे गिर जाती है। तो आप अगर उनकी बालों की तरफ देखेंगे तो उन्हें लगेगा कि आप उनकी तरफ देख रहे हैं, और आपका जो डर है जो आंखों में आग डाल के बात करना वो भी दूर हो जाए। तो सो इट विल बी अ विन विन सिचुएशन। सो ये कुछ ऐसा। दूसरा एक है नर्वस गेस्चर जो होते हैं, तो जब हम स्टेज पे खड़े होते हैं, बात कर रहे होते हैं, पोडियम पे खड़े रहते हैं, तो नॉर्मली ये पेन जो रहता है, ऐसा पेन आप क्रॉस ऐसे हाथों में पकड़ के भी आप खड़े रह सकते हैं, जिससे नॉर्मली जो नर्वस गेस्चर जो होते हैं, जैसे कि हाथ शिवरिंग होता है, जे आपण मराठीत म्हणतो हात कापायला लागतो असा, तर ही जी मुवमेंट आहे ही जर अवॉइड करायची असेल तर तिथे स्टेजवरती पेन असतो व्हाईट बोर्डचा किंवा तुमच्या खिशातला पेन, तो तुम्ही हातात धरू शकता। कधीही कुठलाही असा A4 साईजचा पेपर धरून बोलू नका, कारण नर्वस गेस्चर जे आहेत, आपण आपला हात तरतर कापायला लागला तर तो पेन पेपरमुळे अजून जास्ती तो मल्टिपल टाईम्समध्ये तो दिसायला लागतो लोकांना, आणि लोकांना आपल्या अवगुणांकडे लक्ष गेलं की मग ते एकमेकांमध्ये बातचीत करायला लागतात, त्याच्यामुळे अवगुण अजून जास्ती नर्वस होतो। तिसरी एक गोष्ट आहे की लेझर पॉइंटरचा वापर करताना, नॉर्मली लेझर पॉइंटर ज्यावेळेस आपण पॉइंट करतो एखाद्या प्रेझेंटेशनकडे, तर त्या मुद्द्यावरती फक्त तो लेझर पॉइंटर ठेवायचा असतो, त्याच्या भोवती असं गोल गोल किंवा पुढे मागे असं सरकवलं, तर आपण काय करतो त्या प्रेझेंटरला असं गोल 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 फिरायला लावतो आणि ते आवडत नाही। तर त्याच्यामुळं लेझर पॉइंटर अगदी व्यवस्थित त्या मुद्द्यावरती धरा, आणि लेझर पॉइंटर धरताना देखील आपला उजवा हात त्याला खाली डाव्या हाताने सपोर्ट जर केला तर तो त्या पॉइंटवरती स्थिर राहील, हलणार नाही, कारण एका हाताने धरलंय तो हलतो। अशा छोट्याशा टिप्स आहेत। मी बेसिकली एक ट्रेनर आहे, त्याच्यामुळं बऱ्याचशा गोष्टी ह्या जाणतो, आणि आता प्रकाश सरांनी खूप सुंदर पद्धतीने त्या गोष्टी सांगितल्या, आणि मला इतके वर्ष ट्रेनिंग देऊन देखील मला ह्या गोष्टी त्यांच्याकडून ऐकायला आवडल्या, काही नवीन मुद्दे त्यांनी सांगितलेत, तर नक्कीच मला त्या सुद्धा गोष्टी खूप आवडल्या। तर धन्यवाद पुन्हा एकदा सगळ्यांना। खूप छान, खूप छान सर। प्रसाद सर, खूप चांगले इनपुट्स तुम्ही या ठिकाणी दिलेत। त्याच्यामध्ये मी एक गोष्ट ऍड ऑन करायला मला आवडेल की ज्यावेळेस थरथर कापतंय किंवा डोळ्यात डोळे घालून पाहायला भीती वाटते त्यावेळेचे तुमचे सजेशन एकदम परफेक्ट आहे सर। पण मी याच्याही पुढे जाऊन सांगेल की शक्यतो ऑडियन्सच्या डोळ्यात डोळे घालून बोलायला शिका। सुरुवातीला कदाचित तुम्ही घाबरशाल, पण जेव्हा डोळ्यात डोळे घालून आणि पूर्ण बॉडी फ्री करशाल ना तुम्ही, तर त्यावेळेस खूप एन्जॉय होतो बोलण्यासाठी सुद्धा, आणि तो कॉन्फिडन्स लेवल आहे ना बिल्ड होते सर। बरोबर, एक दोन वेळेस कदाचित असं वाटेल की मी याच्याकडे पाहतोय आणि मला समोर कोणीतरी डोळ्यात डोळे घातल्यामुळे माझी भीती अजून वाढायला सुरुवात होते, पण स्टेजवर किंवा बोलत असताना जेव्हा आपण स्थिर होतो ना, तर त्यावेळेस एकदा कॉन्फिडन्स लेवल एकदा बिल्ड झाली की ऑटोमॅटिकली ती भीती निघून जाते। तो एक शॉर्ट स्पॅम असतो, तेवढा स्पॅम जर गेला आणि तुम्ही जर ऑडियन्सच्या डोळ्यात डोळे घालून जर बोलायला सुरुवात जर केली ना, तुमचं खूप इफेक्टिव्हली प्रेझेंटेशन होतं सर।
अगदी खरी गोष्ट आहे प्रकाश सर. ते त्यांनी ते सांगितलं की जास्तीत जास्त संधी जी असते ना ती सोडू नका, जास्तीत जास्त बोला आणि बोलल्यामुळेच तुमच्यातला तो जो कॉन्फिडन्स आहे ना तो दिवसेंदिवस वाढत जाईल वाढत जाईल वाढत जाईल. आणि नवनाथ सरांनी हे बरोबर सांगितलं की जी भीती आहे ती प्रेझेंटेशनच्या आधी खूप जास्त असते आणि स्टेजवर गेल्यानंतर आफ्टर दॅट वन्स यू स्टार्ट त्याच्यानंतर ती भीती राहतच नाही. काही सेकंद होतात मग नंतर ऑटोमायझेशन होऊन जातं तिथं. यस यस यस. सिवी कतराबाद के आपके पास से कोई है फीडबॅक शेअरिंग है आपका सिवी सर? जी सर, एक्चुअली टुडे सेशन वॉज रियली गुड. प्रकाश ने बहुत ही मतलब बेहतरीन तरीके से जो प्रिपरेशन करना चाहिए, फोकस क्या करना चाहिए, ये बहुत अच्छी तरह उन्होंने बताया. तो सबसे इम्पोर्टेंट जो है बिगनिंग एंड एंडिंग, वो भी बहुत इम्पोर्टेंट है. एंड जो पांच की सेक्रेट उन्होंने बताया, दे आर वेरी यूजफुल टिप्स. तो वैसे मैं भी जैसे प्रसाद अभी बोलता, हम दोनों साथ में काम किए हैं, कि टू ऐड टू हिज वन मोर टिप, जैसा समबडी वाज आस्किंग कि हम टोन कैसा कर सकते हैं. प्रकाश सर ने बहुत ही अच्छी तरह उन्होंने एग्जाम्पल के साथ एक सेंटेंस दिया, फिर उन्होंने उसको कहाँ स्ट्रेस करना चाहिए, कहाँ ये करना चाहिए, उन्होंने बहुत अच्छी तरह समझाया. बट एक सिंपल लाइन में अगर बताऊं तो हर एक शब्द को मीनिंग है. उस मीनिंग के हिसाब से उस मीनिंग को फील करो. जब आप डिलीवर कर रहे हैं उस शब्द को आप फील करके आप एक्सप्रेस करोगे तो अपने आप आपका टोन, जो टोन ऑफ वॉइस जो है वो कहाँ स्ट्रेस करना है कहाँ ये करना है वो अपने आप आ जाता है. तो मैं हमेशा एग्जाम्पल देता हूँ, आई एम ऑल्सो ट्रेनर, कि इफ आई एम टॉकिंग कि लॉन्ग लॉन्ग एगो देर वॉज अ किंग, हम बोलते हैं वेन यू से दैट लॉन्ग लॉन्ग मीन्स लंबा है, तो आपका जो शब्द भी है वो लॉन्ग लॉन्ग एगो, एगो मतलब वो हाथ आपका ऊपर जाना चाहिए. मैं तो अबे हाथ ऊपर करके लॉन्ग लॉन्ग एगो बोलने से कोई मतलब नहीं है. देर वॉज अ किंग, किंग मतलब राजा है वो. देर वॉज अ किंग, किंग को किंग बोलना चाहिए. देर वॉज अ किंग बोलने से कोई मतलब नहीं है. तो हर एक शब्द का जो मीनिंग है उस मीनिंग को अगर आप एक्सपीरियंस करके बोल रहे हो तो अपने आप आपका टोन ऑफ वॉइस जो है वो फिट हो जाता है. दिस इज व्हाट माय, दिस इज व्हाट आई ऑलवेज प्रैक्टिस. यस यस यस, थैंक यू, इट वाज अ रियली गुड सेशन प्रकाश जी. थैंक यू सर, थैंक यू. यस थैंक यू एवरीवन कि आप सब लोगों ने अच्छी तरह से कंट्रीब्यूशन किया सेशन पे. ऑलमोस्ट 2 आवर्स हुए, कैसे हुए हम लोगों को पता भी नहीं चला. और काफी अच्छा सेशन गया सर, प्रकाश सर, इंटरेक्टिव सेशन था, लोगों ने एंजॉय किया. आपने भी मेरे हिसाब से काफी अच्छी तरह से एंजॉय किया रहेगा ये सेशन. यस यस, ट्रू ट्रू, आई रियली एंजॉयड एंड एग्जैक्टली आई फिनिश्ड इन 1 आवर आई गेस. सो यस 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 यस. सो थैंक यू एवरीवन कि आप सब लोगों ने यहाँ पे पार्टिसिपेट किया, कॉन्ट्रीब्यूट किया. और ऐसे ही आप फिप के साथ जुटे रहिए. हम लोग एवरी सैटरडे इसी तरह से अलग अलग एक्सपर्ट्स को ये प्लेटफॉर्म पे लेके आएंगे और एक दूसरे के साथ कंट्रीब्यूशन करेंगे. नॉलेज, लर्निंग, शेयरिंग, सब चीजें यहाँ पे होती रहेंगी. सो थैंक यू वंस अगेन एंड गुड बाय. मिलते मिलेंगे नेक्स्ट सैटरडे इवनिंग 5 बजे. थैंक यू सर, थैंक यू प्रकाश सर, थैंक यू ऑल, थैंक यू सो मच.